गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास इंस्पायर इंग्लिश प्लैनेट। मैं शीनम रहेजा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। वेलकम जी वेलकम। आज है चंडीगढ़ पीजीटी 2024 का मैराथन सेशन। फाइनली आज है 3 फेब, जिस दिन आप लोग तैयारी करके बैठे हुए हो अपने एग्जाम की। हेलो शिवानी, हाय सुखप्रीत, कविता, आंचल, कैसी है तैयारी आपकी? वीडियो अच्छे से शेयर किया था या नहीं? गुड इवनिंग अनु, रिंकी, दीक्षा एंड बबली, अमन, सोनिया, गुरदीप, धर्मपाल जी, नितिका, ममता। हाँ जी, हेलो राजविंदर, कैसे हो आप? हाय अमिता, हेलो अभिलाषा। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया, जिन्होंने अच्छे से वीडियो क्लासेस एंजॉय करी हैं, अच्छे से पढ़ाई करी है ना। हम बहुत बोरिंग तरीके से नहीं करवाते हैं, है ना, आपको पता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासेस होती हैं। और आई होप आप सबने पूरा सिलेबस अब तक कर लिया होगा। और आज का सेशन शुरू होने वाला है, और इसमें आप एक मिनट में पेन देख लो अपना किधर गया। इसमें आज 500 MCQs मैं लेके आई हूँ। कल ही सारे क्वेश्चंस मैंने बना लिए थे, मैंने कहा एक बार सब इसके थंबनेल पे भी लिख दूँ, एक्साइटेड रहना, 500 MCQs है। हेलो नकिता, गुड इवनिंग। हेलो किटी जी, व्लॉगिंग करती हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार टेलीग्राम पर सबको बोल दो, सबको बोल दो लाइव क्लास शुरू हो गई है, सब स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ताकि पूरे जोश के साथ आज की क्लास शुरू हो सके। और बेटा कल भी क्लास में जरूर आना, ठीक है, कल भी क्लास में जरूर आना। आधे क्वेश्चंस आज करेंगे, आधे कल करेंगे। मैं इसलिए वो 2 मिनट लेट हो गई क्लास शुरू जैसे ही करने वाले थे, वैसे मुझे एकदम से कफ स्टार्ट हो गया, और फिर पानी वगैरह पी रही थी मैं। हेलो वर्षा जी, हेलो मोहित जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ जी बाबू जी, रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा ये है मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट, आपको कुछ भी जानना हो मेरे बारे में यहाँ लिखा हुआ है। पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं, और जिन स्टूडेंट ने CUET की तैयारी करनी है उसकी भी बहुत सुंदर क्लासेस है हमारे पास। प्रॉपर सारे नोट्स दिए गए हैं चैनल पर, और टेलीग्राम पर भी आपको प्रॉपर टेलीग्राम पर ऐड किया जाता है पेड ग्रुप में, और उसमें सब कुछ शेयर होता है। और इसमें 17 प्रीवियस ईयर्स हैं, 2000 वन लाइनर्स, 15 प्रैक्टिस सेट एंड 2 मॉक टेस्ट। और जिन्होंने राजस्थान का एग्जाम देना है, ठीक है, राजस्थान का पेपर देना है 2nd ग्रेड का, तो उसकी भी यही लिखा था कि 5 फेब से, ऊपर लिखा हुआ है 5 फेब से क्लासेस स्टार्ट हैं, बैच स्टार्ट हो जाएगा, इसमें भी आप एनरोल करवा सकते हैं। इसकी फी भी राज्य 7500 ही है, जिसमें रेनेसा एज से लेके प्रॉपर पोस्ट मॉडर्न एज तक सारी जानकारी है उसमें, मतलब पूरा सिलेबस है। और साथ में कुछ 17-18 इंडियन राइटर्स भी हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, वो भी कवर अप हो जाएंगे। और ये UGC के साथ साथ बाकी सारे बैचेस हैं, अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्या क्या पढ़ाई करते हैं। चलो स्टार्ट कर दें, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करो जी। थैंक यू किट्टी जी, थैंक यू। ओके, आरती कह रही हैं आपने BCOM करा है और मास्टर्स करी है इंग्लिश में, TGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा अगर आपका CTET क्लियर है तो आप TGT के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसमें मास्टर करी है इंग्लिश में तो मतलब नहीं बनता। बट हाँ, BCOM में इंग्लिश नहीं थी आपके पास ना। CTET क्लियर होना चाहिए, और BEd में इंग्लिश होगी अगर आपके पास तो आप कर सकते हो। CTET चाहिए, BEd में इंग्लिश चाहिए। चलिए, हेलो राजविंदर, प्रतिभा, पुलरजी, सिद्धू, मोनिका, हर्षुका। चलो पहला क्वेश्चन का आंसर है द प्रिल्यूड। अच्छा, आज के जितने 500 MCQs है ना, मतलब मैं अपने अब क्या कहूँ, गारंटी कहूँ या इस चीज को एक विश्वास कहूँ कि इन 500 क्वेश्चंस में से ना आपको एग्जाम में यही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, या फिर इनके साथ साथ जो जो मैं चीजें बताती रहूंगी ओरली, वो सारी चीजें ही आपको एग्जाम में मिलने वाली हैं। अगर आप लास्ट मोमेंट पे आ जाए हो क्लास में,
तो आपको आपके लिए रामबान क्लास है, क्योंकि इसमें आपका पूरा चंडीगढ़ वाला पेपर कवर अप हो जाएगा, सिर्फ लिटरेचर पोर्शन, ठीक है, वो प्लस वन टू वाली बुक्स नहीं, सिर्फ लिटरेचर पोर्शन। ग्रामर आप लोग कर ही लोगे, इतना आप स्कूल्स में भी पढ़ा ही रहे हो, ठीक है, तो आप ये 500 क्वेश्चन कर लो, मजा आ जाएगा आपको एग्जाम में। द प्रिल्यूड है, 1850 में ये पब्लिश हुआ था, ठीक है, ध्यान देते जाना साथ साथ। ये उनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था, इनकी वाइफ ने इसका नाम सजेस्ट किया था, द प्रिल्यूड, और ये इन्होंने कॉलरिज के को मतलब उसको डेडिकेट करते हुए लिखा था, ठीक है। तो पांच छह बातें साथ साथ बता रही हूँ, वो भी याद रखना। इन विच चैप्टर फैंसी एंड इमेजिनेशन अकर, आपको पता है कॉलरिज का वर्क है बायोग्राफी लिटरेरिया, 1817 में आया था, इसी में ही सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, इसी में ही फैंसी एंड इमेजिनेशन, और इसी में ही इन्होंने कॉन्सेप्ट भी दिया है पोइटिक मीटर का, ठीक है, तो ये सारी चीजें कॉलरिज ने दी थी। यस, कौन सा चैप्टर है फैंसी एंड इमेजिनेशन? वेरी गुड धर्मपाल जी, 13 नंबर चैप्टर, कौन सा चैप्टर है? 13 नंबर चैप्टर में है फैंसी एंड इमेजिनेशन, ठीक है जी। यस, 14 में आ जाता है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। हाँ जी, चलिए, हु कॉल्ड कॉलरिज द सेज ऑफ हाईगेट? हाईगेट में बताइए, सेज ऑफ हाईगेट कॉलरिज को क्यों कहा जाता है? हाईगेट में इनकी जन्म हुआ था कॉलरिज का, या इनकी डेथ हुई थी? हाँ आरती जी, यही मेन क्राइटेरिया है, इंग्लिश मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। यस, कार्लाइल ने, थॉमस कार्लाइल ने इनको सेज ऑफ हाईगेट बोला था, क्योंकि हाईगेट में कॉलरिज की डेथ हुई थी। बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन बायोग्राफी लिटरेरिया? टोटल कितने चैप्टर्स हैं बायोग्राफी लिटरेरिया में? जी यस, टोटल हैं 24, क्योंकि इसमें कंक्लूजन हमने ऐड कर लिया, अगर कंक्लूजन ना पूछा जाए तो 23, ठीक है। ये थोड़ा सा डाइसी है क्वेश्चन कि बायोग्राफी लिटरेरिया में अगर 24 है ही नहीं ऑप्शन में, तो आप 23 ही लगाएंगे, और अगर दोनों ही पढ़े हुए हैं तो ये चीज जरूर लिखी आएगी कि कंक्लूजन ऐड करना है या नहीं, कंक्लूजन के साथ 24 नहीं तो 23। हु डिफाइंड पोइट्री द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर? द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर बात किसने कही है पोइट्री के बारे में? हाँ जी, त्रिशा, गुडलीन, कविता, तबस्सुम, आंचल बटला, प्रीति बिष्ट जी, हर्षित, आंसर करिए जल्दी से, वीडियो लाइक करते जाओ भाई, आज तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए क्लास में। बहुत दिनों से आपको कह रखा था कि मैराथन सेशन आने वाला है, खाना पीना सब लेके बैठे हो ना सभी। पोइट्री द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर बात कही थी कॉलरिज ने, वेरी गुड सोनिया शर्मा, मैं नोट डाउन करती हूँ, मेरे माइंड में ध्यान रहता है कौन सा बच्चा सही आंसर कर रहा है और कौन सा नहीं। यस, ये किसने कही थी, द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर? कॉलरिज ने। वेरी गुड हर्षित। इन विच चैप्टर विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कहाँ आया था? विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, वेरी गुड, 14 नंबर चैप्टर, अभी बता भी चुकी हूं मैं। माई शेपिंग स्पिरिट ऑफ इमेजिनेशन लाइन कहाँ आई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉलरिज ने कही थी, माई शेपिंग स्पिरिट ऑफ इमेजिनेशन, बताइए माई शेपिंग स्पिरिट ऑफ इमेजिनेशन बात कहाँ आई है ये? वेरी गुड रिंकी, दीक्षा चौधरी, आंचल एंड दीक्षा कंबोज, यस, डिजेक्शन एंड ओड में। और ये चीज ध्यान रखना, इमेजिनेशन के बारे में कॉलरिज ने कहा है बायोग्राफी एंड लिटरेरिया में, ठीक है, बट ये माई शेपिंग ऑफ इमेजिनेशन, माई शेपिंग स्पिरिट ऑफ इमेजिनेशन भी कॉलरिज ही है, बट ये लाइन बायोग्राफी लिटरेरिया में नहीं कही, ये डिजेक्शन एंड ओड में कही है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है, डिजेक्शन एंड ओड में कही है। और एक चीज और मैं आपको करवाऊं, यहाँ पे हमने सेकेंड नंबर क्वेश्चन किया था ना, नहीं सेकेंड नहीं, कौन सा था, फैंसी इमेजिनेशन वाला, ये वाला। अच्छा मेरी एक बात सुनो, यहाँ पर लिखा है ना कि कॉन्सेप्ट ऑफ फैंसी एंड इमेजिनेशन अच्छे से डिस्कस कहाँ किया है, पूरा फुल फ्लेज्ड चैप्टर कौन सा है? तो है चैप्टर नंबर 13। अगर क्वेश्चन आ गया कल एग्जाम में, ये चीज आ जाती है कि पहली बार इन्होंने फैंसी एंड इमेजिनेशन के जो पूरे 24 चैप्टर्स हैं टोटल,
इसके अंदर फर्स्ट टाइम कौन से चैप्टर में बात की है, मतलब पहले उन्होंने बात कर ली थी फैंसी एंड इमेजिनेशन के बारे में, पर पूरी तरह खुल के बड़े टॉपिक पे बात हुई है 13 नंबर चैप्टर में। पर पहली बार इन 24 चैप्टर्स में से 4 नंबर जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर जो 4 है, उसमें उन्होंने थोड़ा सा हिंट फैंसी एंड इमेजिनेशन का दिया था। ठीक है, फैंसी एंड इमेजिनेशन का हिंट दिया, पर उसको पूरा एक्सप्लेन उन्होंने 13 नंबर चैप्टर में किया था। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये मैं आपको आज बता रही हूँ क्योंकि आपका पेपर आने वाला है, तो चीजें माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि क्या पता पेपर में 13 नंबर ऑप्शन आए ही ना और 4 नंबर ऑप्शन पड़ी हो। ठीक है, हाँ जी वीरपाल कौर जी, रजनीश, चलो ये वाला भी हो गया ना आपका। चलो नेक्स्ट करते हैं, वर्ड्स द बॉर्डर्स, उनका एक ड्रामा था ये द बॉर्डर्स, ये कौन सी कैटेगरी में है, प्रोज ट्रेजेडी है, एपिक है, वर्स ट्रेजेडी है या ओड है। हाँ जी बहुत अच्छे सभी स्टूडेंट्स, अपने व्हाट्सएप पे जल्दी जल्दी इस वीडियो का लिंक डाल दो, अभी 1 मिनट का समय निकाल लो, वीडियो का लिंक डाल दो जल्दी से। यस वेरी गुड अभिलाषा, ये एक वर्स ट्रेजेडी है। बहुत ही अच्छे, अपने मार्क्स लिखते जाना मुझे, 500 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं लास्ट में हर एक बच्चा कमेंट में बताएगा। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच जोकंड कंपनी। गे का मतलब यहाँ पर है हैप्पी, कि जो पोएट है वो इतनी सुंदर कंपनी में हैप्पी नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। तो ये यहाँ पर वो पोएट कहाँ क्या कहाँ पर हैप्पी है, एजुकेशन ऑफ नेचर, डेफोडिल्स, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस और टिंटन एबे। हेलो पीसी एंड यस डेफोडिल्स, बिल्कुल ठीक, डेफोडिल्स में ये लाइन आती है और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब मेरा यूजीसी का एग्जाम था ना तब भी ये क्वेश्चन आया था, पर वहां पर ना तब इसकी जगह पर फिल इन द ब्लैंक्स था, और फिल इन द ब्लैंक्स में मतलब ये चीज थी कि आंसर में जोकंड आना था तब, तो ये इसलिए मैं ये क्वेश्चन कभी भूलती नहीं हूँ। जो चीज खुद करी हो ना तो ध्यान रहता है कि यार ये तो मेरे पेपर में ही आई हुई थी। वी आर सेल्फिश मैन और राइज रेज अप रिटर्न टू अस अगेन। यहाँ पर ये सारे जो नीचे ऑप्शंस हैं ये वज्जवत से रिलेटेड हैं, तो वज्जवत ही यहाँ पर किसे बोल रहे हैं, वी आर सेल्फिश मैन और रेज अप एंड रिटर्न अस अगेन, यहाँ पर वो किसे बोल रहे हैं ये चीज। जी वेरी गुड सोनिया, आशमा, गुरदीप, आंचल, बहुत अच्छे बेटा बहुत अच्छे। लंदन 1802 में वो मिल्टन को बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, वो मिल्टन को बोल रहे हैं। यहाँ पे ये चीज भी पूछ सकते हैं ना कि बोला किसे है, मिल्टन को। चलो, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री। वर्ड्सवर्थ को ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसने कहा है, आर्नल्ड ने, टेनिसन ने, शेली या ब्राउनिंग ने, बताइए। हाँ जी प्रीत कमल जी, बहुत ही अच्छे। यस किसने कहा है, आर्नल्ड ने। बस यही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको क्लास में। वहां व्हाट मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ रोमांटिक मूवमेंट, चाहे आप मास्टर कैडर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेक्चर कैडर की, या किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो CUET की तैयारी कर रहे हो, आपको ये 500 MCQs बहुत हेल्प करेंगे आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। यस रोमांटिक एज की बिगनिंग कौन करता है, लिरिकल बैलेड्स के साथ शुरू हुई है 1798 में। नेचर हरसेल्फ सीम्स आई से, यहाँ पर आई कौन है, कौन कह रहा है ये बात, टू टेक द पेन आउट ऑफ हिज हैंड एंड टू राइट फॉर हिम बाय विद हर ओन बेयर शियर पेनिट्रेटिंग पावर, कि नेचर उसके हाथ से पेन लेके खुद लिखने लग जाती है, ये बात किसने कही है और किसके लिए कही है ये भी बता दोगे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हिज कौन है, किसके हाथों से पेन लिया है, जी वेरी गुड, ये बात कही आर्नल्ड ने है, और ये आर्नल्ड वर्ड्सवर्थ के बारे में बोल रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ तो इतना ग्लोरियस राइटर है, अभी पीछे भी पढ़ा ना ग्लोरीज ऑफ पोएट्री भी बोला है वर्ड्सवर्थ को आर्नल्ड ने, कि इतना ग्लोरियस राइटर है कि नेचर भी उसके हाथ से पेन लेके खुद लिखने लग जाती है। वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, कि वर्ड्सवर्थ तो कुछ गंदी बात कर ही नहीं सकता। वज्जवत बताइए ये लाइन किसके बारे में किसने कही है, कि वज्जवत कुछ भी घटिया नहीं लिख सकता, कुछ भी गलत नहीं लिख सकता, कौन कह सकता है ये बात वज्जवत के लिए, आर्नल्ड, टेनिसन, शेली या ब्राउनिंग।
वेरी गुड सुखप्रीत। यस, ये लाइन टेनिसन ने कही है। जरूरी नहीं ना हर चीज अब आर्नल्ड ही बोलेगा, कुछ तो टेनिसन को भी मौका दे दो। ये लाइन किसने कही है? टेनिसन ने कही है। अरे टेनिसन सारे वद्वत के फैन थे टी एस एलियट को छोड़ के। व्हाट इज द अनफिनिश्ड वर्क ऑफ वद्वत? अनफिनिश्ड वर्क कौन सा था? द रिक्लूज, हाइपेरियन, द ट्रायंफ ऑफ लाइफ, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। अनफिनिश्ड वर्क, वेरी गुड, करते चलो आंसर, बहुत अच्छे। गुड इवनिंग मैम, तुसी हुन व्लॉग नहीं बनाउंदे, ये नवा चैनल बना लिया? हाँ जी गुरी सिद्धू जी, व्लॉगिंग भी करेंगे ठीक है, पर अभी एक बार थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाई करवा ले, फिर दोबारा से व्लॉगिंग पे भी आ जाएंगे पढ़ाई के साथ साथ। यस, द रिक्लूज उनका अनफिनिश्ड वर्क था। ट्रायंफ ऑफ लाइफ किसी और का है? यस, आशमा शैली का है। पोएट्री इज बोर्न नॉट इन द माइंड बट इन द हार्ट, ओवरफ्लोइंग विद फीलिंग्स। ये बात किसने बोली है पोएट्री के बारे में? ये दिमाग से नहीं होती, ये तो माइंड से होती है। और इसका उल्टा कौन बोलता है? बिल्कुल इसी लाइन का ऑपोजिट कौन बोलता है? टी एस एलियट। ठीक है, ये बात इसका टी एस एलियट बिल्कुल अलग बोलते हैं कि जो पोइट्री है वो फीलिंग से नहीं बल्कि माइंड का खेल है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि माइंड का नहीं फीलिंग का है पोइट्री का काम। यस, ये बात वद्वत ने कही है। और इसी की ही ऑपोजिट बात एसटी कौन है वो? टी एस एलियट कहते हैं। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। थैंक यू आशमा जी। हाँ मैंने देखा, आप लोगों ने तो बहुत प्यार करा भाई उस वीडियो को तो। हाँ, एक ही दिन में इतने अच्छे व्यूज और इतने अच्छे कमेंट्स, लाइक्स। पढ़ाई की वीडियो को भी कर दिया करो, नहीं तो सर को ही बोलूंगी वही पढ़ा दिया करेंगे आपको। यस, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी कहाँ आती है लाइन? ओडोना ग्रेशियन अर्न में। ये कीट्स की पोइम है, उनकी ओड है ये। कोलरिज कॉल्ड होम मोटिवलेस मलाइंटी। है ना, सही बात है प्रीत कंवर जी। आज भी सर को ही बोलती हूँ मैं, मैराथन सेशन ले लेंगे। नहीं, गिटार नहीं प्ले करते। थैंक यू किट्टी जी, थैंक यू सो मच। यस, आयागो, बिल्कुल ठीक। आयागो के बारे में उन्होंने बोला है। और आयागो कहाँ का कैरेक्टर है? ओथेलो का। ठीक है, आयागो ने और क्या एक वर्ड बोला था? ग्रीन आइड मॉन्स्टर बोला था जेलसी को। पोइट्री ऑफ द हाईएस्ट काइंड में एग्जिस्ट विदाउट मीटर। अब यहाँ पर किसने बोल दिया कि पोइट्री तो इतनी हाईएस्ट काइंड है ये मीटर के बिना भी एग्जिस्ट कर सकती है? ये बात कौन कह रहे हैं? वद्वत, कॉलरिज, शैली, कीट्स। थैंक यू मोहित वर्मानी जी। अच्छा, कौन स्टूडेंट अच्छे से तैयारी करके आया है और कौन यूं ही आ गया बस क्लास लगाने, ये बता दो। कौन अच्छे से पढ़ के आया है? क्योंकि टेलीग्राम पर मैं कितने दिनों से आपको कह रही हूँ कि 3 तारीख को इसका फुल टेस्ट होने वाला है चंडीगढ़ वाले एग्जाम का, और आपको सिलेबस भी मैंने भेज दिया था कि ये सब राइटर्स हैं जो हम कवर अप करेंगे। कॉलरिज हैज रिटन एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ। बिल्कुल ठीक दीक्षा, ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रही कि फिर ये वाली वीडियो आप वायरल करवाओगे ना तो फिर नए बच्चे कहेंगे मैम कैसे बोलती है। आहो, मैं कह रहा थी कि पढ़ के आए हो कि एवी मुंह चक के आ गए। उम्मीद तो है मैंने कि पढ़ के ही आए हो। यस, कॉलरिज ने एलिजी किसकी डेथ पे लिखी है? चैटरटन की। बिल्कुल ठीक। और शैली ने किसके लिए लिखी है? कीट्स के लिए। वज्जवत ने किसके लिए लिखी है? मिल्टन के लिए, लंदन 1802। व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉर्ट लिव्ड जर्नल दैट कॉलरिज एस्टेब्लिश्ड? हेलो जगजीत जी,
जगजीत जी ने स्पेशली, अच्छा रविंदर कौर हैं आप, ओके ओके यस, द वॉचमैन, बहुत बढ़िया। द वॉचमैन जर्नल किसका था? कॉलरिज का। वेयर एल्फ द सेक्रेड रिवर रैन थ्रू कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन डाउन टू अ सनलेस सी। एल्फ रिवर कहाँ पर आती है? अब इतनी बड़ी लाइन क्या ही पढ़नी, जिसको आंसर आता है वो ये देख लेगा कि अरे एल्फ रिवर आ गई है, फटाफट टिक कर देंगे। आ गई एनी, एनी का नाम मैं जोर से नहीं लूंगी, फिर दिख कृषा भाग्य भाग्य आ जाएगी, मेरी एनी कहाँ है। यस वेरी गुड मोहित जी, कुबला खान, बिल्कुल ठीक। राजविंदर, दीक्षा, अभिलाषा, यस कुबला खान। ही प्रेयथ बेस्ट हु लव्ड बेस्ट ऑल थिंग्स ग्रेट एंड स्मॉल। बताइए, ही प्रेयथ बेस्ट हु लव्ड बेस्ट, द लैम्ब, राइम, फ्रोस्ट या डिजेक्शन। हाँ जी दीक्षा, अरे आशमा क्या हो गया आपको? वेरी गुड प्रीत कंवर जी, रजनीश, द राइम ऑफ एंशंट मैरिनर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई ये तो, और सिंपल सा है, आशमा ने गलती कैसे कर दी। बायोग्राफिया लिटरेरिया इज अ रिप्लाई टू रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंस, पीटर बेल, डिफेंस ऑफ पोइट्री, प्रिफेस टू लिरिकल बैलेट्स। बताइए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। लिरिकल बैलेट जो वज्जवत का था, उसमें जो उन्होंने पोइटिक मीटर पे बात करी है, उसी के ही रिप्लाई में बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखा था अपने कॉलरिज ने। While writing his famous poem Kubla Khan, Coleridge was interrupted by a visitor from. आपको यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में, 10 तारीख को पेपर है आपका चंडीगढ़ पीजीटी। लास्ट मोमेंट की तैयारी हो रही है यहाँ पे। यस बिल्कुल ठीक गुरदीप जी, प्रतिभा, सोनिया शर्मा, यस पॉडलॉक, बिल्कुल ठीक। वट इज द फुल नेम ऑफ एस टी कॉलरिज? बिल्कुल ठीक रजनी, 54 लाइन्स के बाद इंटरप्ट कर दिया था उनकी ड्रीम, ये था विजन इन ड्रीम, कुबला खान। यस सैमुअल टेलर कॉलरिज, अब देखने में सिंपल लगता है बट जिनको नहीं आता तो उनका गलत हो जाता है फिर। द फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक्स प्लेस इन द ईयर। हाँ जी हाँ जी मोहित जी, यूट्यूब पर ही है ये वीडियो। हेलो रविंदर, यस 1789, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। इन विच पोइम ऑफ कॉलरिज अ प्लेस जेनेडू अपियर? जेनेडू कहाँ पर आता है वर्ड? यस नहीं करती मोहित जी इसको आप लोगों के लिए बनाई है वीडियो, क्यों प्राइवेट करनी है इसे। यस कुबला खान में वर्ड आता है ज़ेनेडु। अ विजन ऑफ ड्रीम इज अ सबटाइटल ऑफ। आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं, है ना? वीडियो शेयर नहीं कर रहे ना, मुझे अच्छा नहीं लगता व्यूज जब घटते जा रहे हैं। कल का मतलब, इसके मतलब ये है कि कल का मैराथन नहीं चाहिए आप लोगों को। हाँ जी प्रतिभा जी, कुबला खान का सबटाइटल है अ विजन ऑफ ड्रीम। हु सेज जेंटल हार्टेड चार्ल्स फॉर चार्ल्स लैम? यहाँ पर जेंटल हार्टेड चार्ल्स, चार्ल्स लैम के लिए किसने बोल दिया बताइए, और कौन से वर्क में बोला था ये भी बताना। थैंक यू मोहित जी, आज के लिए इतनी तारीफें बहुत है। यस कॉलरिज ने कहा था, बिल्कुल ठीक, द लाइम ट्री बावर माई प्रिजन, इस वाली पोइम में, बावर बावर माई प्रिजन, इस वाली पोइम में इसने कहा था चार्ल्स लैम को, जेंटल हार्टेड चार्ल्स। अ सेवेज प्लेस एज होली हैज एंड एनचैंटेड, फलाना फलाना फलाना, बाय बाय वुमेन वेलिंग फॉर हर डीमन लवर। बताइए, सेवेज प्लेस भी है और डीमन लवर की वेट कर रही है, कौन है बताइए?
बायोग्राफी लिटरेरिया, कुबला खान, क्रिसमस कैरल या क्रिस्टाबेल? वेरी गुड रविंदर, गुरदीप, आंचल, यस, कुबला खान में आती है भाई ये लाइन। हाँ जी, कुबला खान। 5 miles meandering with the mazy motion, ये क्या फिगर ऑफ स्पीच है बताइए, और ये लाइन भी कहाँ की है? कुबला खान की ही है। ठीक है, कभी आ जाए कि कौन सी पोएम की लाइन है 5 miles meandering with the mazy motion, बताइए क्या चीज है ये। वेरी गुड रजनीश, आंचल, जे आर चौधरी, दीक्षा, यस, एलिट्रेशन है ये, बहुत ही अच्छे एलिट्रेशन। द वॉल्यूम लिरिकल बैलेड्स वॉज कलेक्शन ऑफ 23 poems, 22, 20 और 25? बिल्कुल ठीक प्रीत कमल जी, कुबला खान में से बहुत सारी कोटेशंस आती हैं, और मैंने अपनी क्लास में अच्छे से सारी कुबला खान आपको करवाई हुई है। न मोहित जी, आप चेक करिए बताइए मुझे। यस, लिरिकल बैलेड्स में 23 poems हैं, 19 वजवत की और 4 उसकी, कौन है अपना ये, कॉलरिज की। कुबला खान टेक्स एन एपिग्राफ फ्रॉम, कुबला खान ने एपिग्राफ कहाँ से लिया है? वीडियो शेयर नहीं करेंगे ना आज लोग, आज आप लोग है ना, कहाँ गया, वीडियो शेयर नहीं करने वाले ना आप लोग, बता दो मुझे। मैं ही शेयर कर देती हूँ, फिर आधे बच्चे कहेंगे मैम हमें पता ही नहीं लगा क्लास कब शुरू हुई है। एक मिनट, कुबला खान कहाँ से है? सेम्यूल पर्चास, पर्चास हिल, हिज पिलग्रिमेज में से। चलो मैच कॉलम कर दो, मैच कॉलम भी जरूर आने हैं। क्या करें प्रीत कमल जी, आप खुद ही देख लो, खुद ही देख लो कितने स्टूडेंट्स आए हैं क्लास में। वेरी गुड शिवानी, दीक्षा, बाबूजी, हर्षित, यस, आर्नल्ड का कौन सा है? हेलेनिज्म, हेब्रेइज्म, नीशे का है, अपोलनिज्म, डायनोसियन, जीएम, सॉरी यहाँ जीएम आना था, जीएम हॉपकिंस, इंस्केप, इंस्ट्रेस, एस टी कॉलरिज, फैंसियन, इमेजिनेशन। सिंपल इजी पीजी। मेमोरियल वर्सेस बाय मैथ्यू आर्नल्ड हैज द नेम ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स एक्सेप्ट, किसका नाम नहीं है मेमोरियल वर्सेस में? 1850 में आई थी ये उनकी एलिजी, किसके लिए लिखी थी ये भी बता देना, किसके लिए एलिजी आई है मेमोरियल वर्सेस, जिसमें 3 राइटर्स के नेम है, एक का नहीं है। यस, कॉलरिज का नाम नहीं है, बिल्कुल ठीक, कॉलरिज का नाम नहीं है इसके मेमोरियल वर्सेस की, स्टार्टिंग में ही पहला नाम है गॉटे, बायरन, देन वर्ड्सवर्थ, तीनों का नाम आ जाता है पहले पैराग्राफ में। हु रोट द पोइम फ्रॉस्ट एट मिडनाइट 1798, बताइए फ्रॉस्ट एट मिडनाइट किसकी पोइम है? जीएम हॉपकिंस, डब्ल्यू एच डेवीज, एच ई बेट्स, एस टी कॉलरिज, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, बिल्कुल ठीक रजनीश, रिंकी, आशमा, कविता मेहरा, एस टी कॉलरिज की पोइम है फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। और अगर आ जाए कि एस टी कॉलरिज की ये पोइम कौन सी कलेक्शन में आई थी, तो ये लिरिकल बैलेड्स में ही आई थी, ठीक है, लिरिकल बैलेड्स में ही छपी थी उनकी ये पोइम, उनकी 4 पोइम्स लिरिकल बैलेड्स में, एक तो ये फ्रॉस्ट एट मिडनाइट हो गया, एक ये अपना राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर हो गया, और दो अब आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। द मेजर एरिया ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ इज इन द केस ऑफ, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की आपस में कौन से टॉपिक पर नहीं बनती थी, दोनों के ऑपोजिट व्यूज थे कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के, पोएटिक डिक्शन, पोएटिक जस्टिस, पोएटिक लाइसेंस, पोएटिक मीटर।
बताइए। गुड आफ्टरनून ज्ञान रंजनी। रजनीश जी, आपने इसमें राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर तो बताया ही नहीं। हेलो योगेंद्र जी, अमनदीप, यस, पोएटिक डिक्शन। हु सेड द ट्रू ऑपोजिट ऑफ पोएट्री इज नॉट प्रोज बट साइंस। हेलो रुद्रांश, बिल्कुल ठीक है, पोएटिक डिक्शन। हाँ जी, द ट्रू ऑपोजिट ऑफ पोएट्री इज नॉट प्रोज बट साइंस। कि पोएट्री और प्रोज में कोई फर्क नहीं होता, फर्क ये है कि पोएट्री और साइंस में फर्क है ना। पोएट्री और प्रोज तो एक जैसे ही हैं, इनमें कोई मीटर की बात ही नहीं होती। ये बात किसने कही है? सबका गलत। बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। कॉलरिज ने ये बात कही है। कॉलरिज, अरे वो तो कहते ही हैं, वद्वत तो कहते ही हैं, पोइट्री और प्रोज में फर्क है, मीटर का फर्क है, इसमें मीटर नहीं होता, इसमें मीटर होता है। और कोलरिज क्या कहते हैं कि भाई कोई मीटर का फर्क नहीं है, नो, दोनों सेम है। पोइट्री और प्रोज में कोई फर्क है ही नहीं। साइंस और पोइट्री और प्रोज दोनों को मिला के साइंस के साथ फर्क कह सकते हैं हम, पर इनका आपस में कोई डिफरेंस नहीं है। वद्वत ने बोला कि नहीं, फर्क है, फर्क मीटर का आ जाता है, पोइट्री में मीटर होता है, प्रोज में मीटर नहीं होता। यही तो बात पे इनकी बहस हो गई और उन्होंने फिर अपनी अपनी दोस्ती तोड़ी, अलग अलग अपने ट्रैक पे चल दिए। आई हैव अ स्मैक ऑफ हेमलेट माई सेल्फ इफ आई डू से सो। स्मैक का मतलब चांटा, थप्पड़। तो कहते हैं मेरे को हेमलेट का थप्पड़ पड़े अगर मैं ये बात बोलूं तो। ये बात किसने कही थी? वद्वत कॉलरिज साउदी लैम्प। हाँ जी संगीता जी, क्लास में लेट आई हैं आप। अभी भी बहुत स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक आए नहीं है क्लास में। वेरी गुड धर्मपाल जी, मनजीत सराव, यस, कॉलरिज ने ये बात कही थी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु इज अ पोएट ऑफ सुपर नेचुरलिज्म? हाँ अंचल, बिल्कुल ठीक। अच्छा आप पींदे हैं? मैंने पता नहीं थी अंचल, मैं लग गया शायद खांदे हैं। सुपर नेचुरलिज्म का पोएट कौन है? कॉलरिज। और नेचुरल नेचर का पोएट कौन है? वद्वत। आई बिलीव द सोल्स ऑफ 500 आइजैक न्यूटन वुड गो टू द मेकिंग अप ऑफ शेक्सपियर एंड मिल्टन। शेक्सपियर और मिल्टन को बनाने में 500 न्यूटन लगेंगे। ये बात किसने बोली है? शेक्सपियर और मिल्टन की तारीफ करते हुए, इनको अगर बनाना है तो 500 न्यूटन को बलि देना पड़ेगा। वद्वत कॉलरिज साउदी लैम, वेरी गुड। ये बात भी कॉलरिज ने ही कही है। और ये ऐसी ऐसी कोटेशंस जब पेपर में दिखती है ना, फिर आप लोग कहते हो घर आके, मैम पेपर ना थोड़ा टफ सी, कोटेशंस आ गया, ऐसी कोटेशंस नहीं करके गए, है ना। तो कोटेशंस करनी जरूरी होती है, सिंपल सिंपल है, एग्जाम में आनी जरूरी है, क्योंकि आपको कॉलरिज एज अ क्रिटिक, वज्जवत एज अ क्रिटिक, टीएस एलियट एज अ क्रिटिक, ये सब भी सिलेबस में मेंशन है। और क्रिटिक का मतलब यही होता है ना कि वो बंदे कोटेशंस लिखते हैं। डिजेक्शन एंड ओड वाज ओरिजिनल टाइटल्ड, यस, सारा हचिंसन, अ लेटर टू सारा हचिंसन। इनकी गर्लफ्रेंड थी सारा हचिंसन। द नाइटिंगेल अ कन्वर्सेशन पोइम इज रिटन बाय, रिटन इन, ये उनकी कॉन्वर्सेशन पोइम थी। ये कॉलरिज का वर्क है, ध्यान रखना, कॉलरिज की पोइम है द नाइटिंगेल। ये ओड टू नाइटिंगेल नहीं है, ओड टू नाइटिंगेल कीट्स की ओड है, ये नाइटिंगेल एक कॉन्वर्सेशन पोइम है। ये कौन से मीटर में लिखी गई थी? यस बिल्कुल ठीक, गुरदीप, आशमा, धर्मपाल जी, नकिता, हाँ जी, ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिहोल्ड हर बोजम एंड हाफ हर साइड, अ साइट टू ड्रीम ऑफ नॉट टू टेल, ओ शील्ड हर, शील्ड स्वीट क्रिस्टाबेल। बता दो, ये लास्ट लाइन मैंने ऐड कर दी, आपको इजी हो जाएगा, है ना। यस, क्रिस्टाबेल में से लाइन आई है। कभी कभी यहाँ पर बिहोल्ड पर भी फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, बोजम के ऊपर भी फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, ठीक है, और यहाँ भी आ सकता था फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ध्यान रखना, चीजें एग्जाम में ऐसी ही आती हैं।
बिवेयर बिवेयर हिज फ्लैशिंग आईज हिज फ्लॉटिंग हेयर, ये लाइन कहाँ थी? बिल्कुल ठीक प्रीत कमल जी, लड्डू क्वेश्चन है, जिसको आता है बढ़िया, जिसको नहीं आता तो मुश्किल ही लगे उसको, तो वो और ही दिमाग लगाने लग जाए कि ले क्रिस्टाबल कैसे लिख के दे दिया, ये तो कुबला खान में से ही होगा, कितना इजी कैसे आ सकता है। बिवेयर बिवेयर हिज फ्लैशिंग आईज हिज फ्लोटिंग हेयर, यहां पर मार खाने वाली बात कर रहे हो आप सब, अब इस क्वेश्चन पर पिटाई होनी बनती है, अब कौन सही आंसर करेगा ये बता दो। वेरी गुड सोनिया शर्मा, यस कुबला खान की बात हो रही है यहाँ पर, पहली बात है हिज लिखा है, क्रिस्टाबेल में कौन सी हिज है, वहां तो हर है ना, लड़की है ना वो चुड़ैल जो क्रिस्टाबेल है, यहाँ पर कुबला खान की बात हो रही है कि वो अगर आ जाएगा तो उसकी आंखों में देखा नहीं जाएगा, उसकी फ्लैशिंग आईज है, उसके बाल उड़ रहे हैं, पूरी पोइम पढ़ाई हुई है क्लास में, फिर भी ऐसी हरकतें करते हो ना, इजी से इजी क्वेश्चन गलत करते हो। हु कंसीडर शैली एज अ ब्यूटीफुल एंड इनफ्लेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। यस मैथ्यू आर्नल्ड, बिल्कुल ठीक, मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में, मैथ्यू आर्नल्ड ने शैली के बारे में ये बोला है। द टाइटल ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी, अरे ये कट पेस्ट यहाँ हो गया, कमला दास की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? डिसेंडेंट्स, समर इन कैलकटा, माई स्टोरी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद लाइफ, यस सारी करवाई हुई चीजें हैं आपको, बिल्कुल ठीक, माई स्टोरी 1976 में इंग्लिश में आई थी और 1973 में मलयालम में आई थी, ठीक है, डॉक्टर जैसी राइटिंग है मेरी, मलयालम में आई थी, और अंत कथा, ठीक है, इसका मलयालम में टाइटल था अंत कथा, ये भी ऐसी चीजें भी आ जाती है पेपर में, ठीक है, अंत कथा 1973, माय स्टोरी इंग्लिश में 1976, इसको ट्रांसलेट करने वाला कौन था? कमला दास ही थी, ठीक है। प्रोमीथियस बाउंड वॉज अ प्ले बाय, किसका प्ले था ये प्रोमीथियस बाउंड, बताइए, पानी पी लो जिसने जिसने पीना है। हाँ जी लकी जी, यस एस्काइलस का प्ले है प्रोमीथियस बाउंड, बहुत बढ़िया। मॉडर्न प्रोमीथियस टर्म किसने दी थी? आपको पता है मॉडर्न प्रोमीथियस सबटाइटल किसका है? फ्रैंकेनस्टीन का। और मॉडर्न प्रोमीथियस टर्म किसने दी थी? चाय पी रहे हो? मैं भी पीवांगी हूँ रे। आए धर्मपाल जी, ढिड दुख रहा है थोड़ा देखना। ऑफ कोर्स बबली जी, सारे क्वेश्चन आप मुझे बताओ, ये सारे राइटर आपके मास्टर कैडर में नहीं है क्या? इमैनुअल कैंट ने ये टर्म दी थी मॉडर्न प्रोमीथियस, जो फ्रैंकेनस्टीन का सब टाइटल भी है, ध्यान रखा करो ये चीजें, ठीक है, ये टर्म मॉडर्न प्रोमीथियस इमैनुअल कैंट ने दी है और ये मॉडर्न प्रोमीथियस सब टाइटल है फ्रैंकेनस्टीन का। फ्रैंकेनस्टीन वर्क है मैरी शैली का और फ्रैंकेनस्टीन 1818 में आया था, ठीक है जी, और फ्रैंकेनस्टीन का जो इंट्रोडक्शन है, प्रीफेस है, वो पीबी शैली ने दिया है। हेल टू दी ब्लाइट स्पिरिट बर्ड दाउ नेवर वर, बताओ। सही क्या है प्रीत कमल जी। हेलो सारिका, बहुत लेट कर दिया सारिका आपने, एक घंटा हो गया क्लास शुरू हुए को। यस हेल टू दी ब्लाइट स्पिरिट टू स्काई लार्क, नाइटिंगेल मत कराना, ठीक है, टू स्काई लार्क, स्काई लार्क ज्यादा हवा में तेज उड़ती है और उसके बारे में कह रहा है कि हेल टू दाई स्पिरिट, उसको प्रेज में उसकी बोल रहा है स्काई लार्क की। आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड, यहाँ पर एक ट्रेवलर की बात हो रही है, यहाँ पर सैंड इन द डेजर्ट की बात हो रही है और उसके ट्रंकलेस लेग्स हैं, जो उसकी लेग्स हैं वो मिट्टी में धसी हुई हैं, ट्रंकलेस है। वेरी गुड ओजीमेंडियस, बहुत अच्छे से क्लास में करी हुई है ओजीमेंडियस। हेल इज अ सिटी मच लाइक लंडन, ये लाइन कहाँ आती है और ये पेपर में जरूर आएगी,
पेपर में जरूर आएगी, जल्दी बताइए। हेल इज अ सिटी मच लाइक लंदन, ये लाइन कहाँ पर आई थी, किसने कही थी? हाँ जी, राजविंदर, मोहित, दीक्षा, संगीता। राजविंदर ने मुझे ढूंढ लिया है। मेरे पास ये ऑफलाइन भी आया करती थी घर पे यूजीसी की तैयारी के लिए। बहुत टाइम बाद आपसे ऐसे मुलाकात हो रही है और सीधा चैनल पर ही मिल रहे हैं हम। चलिए, पीटर बेल द थर्ड, ये वर्क था शेली का, उसमें उन्होंने बोला था हेल इज अ सिटी मच लाइक लंदन। हेलस में नहीं यार, हेलस नहीं, पीटर बेल द थर्ड में। बिल्कुल ठीक, गुरदीप ने तो फट्टे चक्के हुए हैं। पोइट्री डज मेक्स इमोर्टल ऑल दैट इज बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड, हु सेड दिस, बताइए। हाँ जी, अंकिता, वेरी गुड। आंचल, आशमा, यस, विलियम वर्ड्सवर्थ, बिल्कुल ठीक, विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है। पोइट्री हर चीज को इमोर्टल बना देती है, दुनिया में जो सुंदर है उसको पोइट्री में लिख दो तो वो चीज इमोर्टल हो जाती है। ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है क्लास में, ध्यान से देखिए इसको। इट इज एन एक्टिव एजेंट विच डिजोल्व, डिफ्यूज, डिसिपेट इन ऑर्डर टू रिक्रिएट, बताइए। बेटा पीटर बेल वर्ड्सवर्थ की भी है, पीटर बेल के वर्ड्सवर्थ की, पीटर बेल के ऊपर पीबी शैली ने सटायर किया था पीटर बेल द थर्ड लिख के, ठीक है। दोनों की है पीटर बेल, शैली की भी है वर्ड्सवर्थ की भी है। पहले वर्ड्सवर्थ की आई, उसके ऊपर सटायर कर दिया शैली ने। यस, इसका आंसर क्या आएगा? सेकेंडरी इमेजिनेशन। जिसको अब सेकेंडरी इमेजिनेशन नहीं पता तो बेटा अब क्लास आपने मेरी लगाई है, जिन जिन ने, स्टूडेंट्स ने, उनको सब आता है प्राइमरी कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है, फैंसी मेमोरी, ये क्या चीजें हैं, सब करवाया हुआ क्लास में। डैश सेलेक्ट एंड ऑर्डर द रॉ मटेरियल एंड रीशेप एंड रीमॉडल इट इनटू ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी। बिल्कुल ठीक आंचल बठला, वेरी गुड। बताइए क्या चीज है सिलेक्ट करती है, रीशेप करती है, रीमॉडल करती है? हाँ जी, वेरी गुड, सेकेंडरी इमेजिनेशन, बहुत ही अच्छे। कॉलरिज कॉल्स इट अ मैजिकल एंड सिंथेटिक पावर, किसको मैजिकल बोल दिया था कॉलरिज ने? डॉली सिंह जी, ये चंडीगढ़ का जो पीजीटी वाला पेपर है उसमें जो आपका सब्जेक्ट पेपर है, सब्जेक्ट आपका अगर इंग्लिश है तो ये इंग्लिश वाला, उसकी तैयारी कर रहे हैं हम। पेपर वन के लिए नहीं, मतलब पेपर वन तो जनरल हो गया ना, ग्रामर नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ लिटरेचर पोर्शन कर रहे हैं। मैजिकल किसको बोल दिया था उन्होंने? अरे भाई मैजिकल, ये चेक करो एक बार इसको, इसको चेक करो, कॉलरिज ने मैजिकल पावर किसको बोला है? सेकेंडरी इमेजिनेशन को ही बोला है, चेक कर लो इसको नोट्स में एक बार। डैश इज नॉट अ क्रिएटिव पावर, अब यहां पर क्रिएटिव पावर नहीं है, क्रिएटिव पावर नहीं है, इट ओनली कंबाइंस व्हाट इट परसीव्स, ये सिर्फ जो बाहर देखा उसको ही, उसी को ही, उसी के ऊपर बात करती है, ये कोई फ्यूज नहीं करती, ये कोई यूनिफाई नहीं करती, ये कोई क्रिएट नहीं करती, तो ये क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, फैंसी और मेमोरी। वेरी गुड ज्ञान रंजनी जी। हाँ जी पूनम। यस यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ये क्रिएटिव पावर नहीं है, ये क्या है? प्राइमरी इमेजिनेशन। हाँ, इसमें क्रिएशन नहीं होती, ये सिर्फ परसीव करता है, मतलब ब्यूटीफुल शेप्स में। हाँ, व्हाट इज द लास्ट पोइम ऑफ लिरिकल बैलेट्स? लिरिकल बैलेट्स की लास्ट पोइम बता दो एक बार।
हाँ जी, टिंटन एबे, बहुत अच्छे, टिंटन एबे। कीट सेज इन हिज ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न दैट अनहर्ड मेलोडीज आर स्वीटर बिकॉज, अब ये लाइन वहां आती है ना, अनहर्ड मेमोरी मेमोरीज आर स्वीट, है ना, हर्ड मेमोरीज आर, कैसे आती है वो लाइन यार, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट अनहर्ड आर स्वीटर, तो ये लाइन क्यों आती है, किसके बारे में है ये बताइए। मुझे ना एक क्वेश्चन चेक करना है जरा। वो मैजिकल वाला ठीक था, मैजिकल वाला हमने सेकेंडरी किया ना। एक करवा देती हूँ अभी। यस, बिकॉज दिस स्ट्राइक द कोर्ड्स ऑफ स्पिरिट, क्योंकि ये हमारी स्पिरिट तक को छू लेती है जो अनहर्ड होती है, जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं, उसको हम कितना ही सुंदर इमेजिन कर सकते हैं, तो वो हमारी आत्मा तक को छू लेती है वो चीजें। अच्छा ये रजे एक ये वाला क्वेश्चन था ना, इट कंबाइंस क्रिएटिव पावर, ये वाला इसका ना फैंसी आएगा, ठीक है, मुझे भी डाउट लग रहा था तभी मैंने कहा हाथ क्या चेक कर लूं, इसका करेक्ट कर लो, अभी मार्क कर रहे हो ना आप, इसका फैंसी आएगा। दो तीन बच्चों ने सही आंसर भी दिया था, मेरा ध्यान भी जा रहा था कि फैंसी होना चाहिए, फिर गलत वालों की तो लाइन ही लग गई, तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, फैंसी आएगा इसका आंसर। लास्ट वाली हो गई टिंटन एबे, और ये वाला स्पिरिट वाला। द प्रिल्यूड बाय वर्ड्सवर्थ वाज पार्ट ऑफ अ वास्ट वर्क विच वाज टू बी कॉल्ड, किसको कह रहे हो प्रीत कमल जी? यस, क्या आएगा इसका आंसर? द प्रिल्यूड किसका पार्ट होने वाला था पहले? हाँ धर्मपाल जी ने तो अभी अभी वज्जवत किया है ना, वज्जवत अभी अभी किया है ना। वेरी गुड संगीता, यस, रेक्लूज का, बिल्कुल ठीक, रेक्लूज। विलियम वज्जवत टिंटन एबे इज, टिंटन एबे क्या चीज है? ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक लिरिक, एपिक, नन ऑफ द अबव। हाँ बिल्कुल ठीक, गूगल बाबा है वो, और उसकी स्पीड भी बहुत है गूगल पे फटाफट चेक करने की। यस, ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये, और पेपर में जरूर मिलने वाला है एक क्वेश्चन ड्रामेटिक मोनोलॉग पे। सोलिटरी रीपर इज अ लिरिकल बैलेट, ओड, एलेजी या पेस्टोरल, क्या चीज है सोलिटरी रीपर? जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करते चलो, जिस जिसने नहीं किया अभी। आ गई मोहित जी ड्रामेटिक मोनोलॉग पे डांट यार, बस ऐसे ही है, पेपर भी करके आओगे ना तब भी मेरी आवाज गूंजने वाली है आपके दिमाग में। यस, लिरिकल बैलेट, और अगर अच्छा पेपर में बैलेड ऑप्शन में ना हो, बैलेड ना लिखा हो, सिर्फ लिरिक लिखा हो, तो हम लिरिक भी टिक कर सकते हैं, ठीक है, अगर बैलेड लिखा ही नहीं है तो क्या टिक करें, फिर हम सिर्फ लिरिक टिक करेंगे, ठीक है, या लिरिक नहीं लिखा सिर्फ बैलेड लिखा है तो बैलेड टिक करेंगे, तो इसलिए मैंने एक ही ऑप्शन में दोनों चीजें डाल दी, क्योंकि दोनों आंसर ठीक है, लिरिक भी है बैलेड भी है। कमला दास वॉज एन इंडियन इंग्लिश पोएट एज वेल एज अ लीडिंग राइटर, कौन सी लैंग्वेज की? हिंदी, मलयालम, तमिल और कन्नड़ा। बिल्कुल ठीक एनी, फ्लाइंग चप्पल भी याद आ सकती है मेरी। ओहो आशमा, देख ले बहन, इतना प्यार मत कर। यस, मलयालम लैंग्वेज की राइटर थी कमला दास। दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ये ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड ये जरूर आने वाली है फ्रेज क्लास उसमें पेपर में। ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड वज्जवत ने किसको बोला है? एकांत में शांति मिलती है उनको जब वो अपनी आंखें बंद करते हैं और उसकी झलक दिखाई देती है, किसकी झलक दिखाई देगी आपको?
डेफोडिल्स की, बिल्कुल ठीक। आंखें बंद करते ही वजवत डेफोडिल्स को याद करता है और ब्लिसफुल फील करता है। टू हूम वजवत्स ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड एड्रेस्ड। आज तो 100 लाइक्स से ज्यादा तो होने ही चाहिए यार। 100 तो बहुत कम मैं बोल रही हूँ। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। 500 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना। वद्वत का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, कॉलरिज को एड्रेस किया था। अ ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड नाम रखा था इन्होंने। व्हेन डिड फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स अपीयर्ड। घिसा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल ही लड्डू क्वेश्चन है, पर पेपर में जरूर आने वाला है। लिरिकल बैलेड का पहला एडिशन, यस, टाइटल गिवन बाय वाइफ, बिल्कुल ठीक। हाँ जी राजविंदर रजनीश, यस, 1798। नहीं बाबू भैया, आज नहीं होंगे 500 क्वेश्चन, आज 250, कल 250। कीट सेज इन हिज ओड ऑन अग्रेशन। अच्छा ये वाला हो गया ना, फिर से आ गया, यस, स्पिरिट आएगा इसका, है ना? चलिए आगे है। वॉज इट अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम, फ्लेट इज दैट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप। कि वो म्यूजिक तो उड़ गया, मैं जाग रहा हूं या मैं सो रहा हूं, क्या मैं सपना देख रहा था या क्या ये एक विजन था। ये किसने बोली है लाइंस, पीबी शैली ने, ब्राउनिंग ने, वर्ड्सवर्थ ने या कीट्स ने? अच्छा आप जिज्ञासा है। यस, कीट्स ने ये लाइन बोली थी, नाइटिंगेल के लिए बोली थी, ध्यान रखना। एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा ही एम्प्लॉयज द ड्रामेटिक डैश डिवाइस। कौन सा ड्रामेटिक डिवाइस यूज हुआ है? वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग्स, वेयर आर दे, है ना? ऐसे एक लाइन आती है ना, कौन से वर्क में आती है लाइन, कौन सी ओड में, ये भी बता दो। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, वेयर आर दे, ये लाइन क्या चीज है? युबिसंट, कार्पेडियम, सीज द डे या नन ऑफ द अबव। अच्छा मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट मान लो, आज 500 क्वेश्चंस हैं, इस वीडियो पर 500 लाइक्स दिला दोगे या नहीं, इतना बता दो मेरे को। 500 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का एक लाइक तो बनता है। चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स तक पहुंचा दो ये वीडियो फटाफट से, और ताकि सारे स्टूडेंट्स को 10 तारीख से पहले पहले ये क्वेश्चन मिल जाए और वो उनकी तैयारी अच्छी हो सके, ठीक है? यू बी सेंट का मतलब होता है वेयर आर दे, और यहाँ पर वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग्स में जो वेयर आर है ये यू बी सेंट को शो कर रहा है, फिगर ऑफ स्पीच को, बिल्कुल ठीक। एंडमियन अ पोइटिक रोमांस बाय जॉन कीट्स वॉज पब्लिश्ड इन। एंडमियन से क्वेश्चन आना ही आना है, आपको पता है एंडमियन की फर्स्ट एक लाइन भी है, थिंग्स ऑफ अ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, है ना? ये लाइन भी एंडमियन में से है, एग्जाम में जरूर आती है। आए धर्मपाल जी वारी जावा, पूरी क्लास चो सिर्फ तुसी मेरा ख्याल रखने हो, कदे कदे तंग भी ज्यादा करने हो मैनू। बिल्कुल ठीक आशमा, मैं तो कह रही हूँ 500 लाइक होने चाहिए 500 क्वेश्चंस के। 1818, अब इसकी ट्रिक देखो, एंडमियन कब आया था? 1818। किसका वर्क है? कीट्स का। मैरी शैली का वर्क है फ्रैंकेंस्टीन, कब आया था? 1818। और भी बहुत सारे मैंने आपको 1818 वाले याद करवाए हुए हैं, जितने आपको अभी याद है फटाफट कमेंट में बताइए। 1818 में क्या क्या आया था, बहुत कुछ मैंने याद करवाया हुआ है आपको। ये डेट पीछे पड़ गई थी मैं, 1818 हो गया, 1850 हो गया, 1847 हो गया, 1860 हो गया, 1795 हो गया, 1579 हो गया, ये कुछ डेट्स हैं, हमने इनका बहुत बहुत सारा काम याद किया हुआ है। वेरी गुड रजनीश, 1818 में ओजीमेंडियस आया था। आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स। ब्यूटी का प्रेज कौन करता है? ब्यूटी के लिए दीवाना हो गया है, हर चीज में ब्यूटी चाहिए। हाँ जी धर्मपाल जी, नॉर्थेंजर एबी भी 1818 में आया है, परसुएशन भी 1818 में आया है, बहुत सारी चीजें और हैं, याद करते जाओ, दिमाग चलाओ तो चलेगा। वेरी गुड, ब्यूटी के लिए कौन जाना जाता है? जॉन कीट्स। सेंशुअसनेस के लिए कौन जाना जाता है? जॉन कीट्स। हु गॉट नोबेल फॉर हिज आउटस्टैंडिंग एंड पायनियर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रेजेंट डे पोइट्री। प्रेजेंट डे है यानी कि मॉडर्न एज की बात हो रही है, मॉडर्न एज में उसकी आउटस्टैंडिंग पोइट्री के लिए किसको नोबेल मिल गया था, कब मिला था, ये भी बताएंगे।
हाँ जी रविंदर जी, ताकी जी, मुझे पता है आप ही हैं यहाँ पे। यस वेरी गुड। टीएस एलियट को मिला था, कब मिला था? 1948 में मिला था। अच्छा हार्डी को तो नोबेल मिला ही नहीं। अब ये चीज भी तो आ जाती है ना कि किसको मिला ही नहीं है, वो भी बता दो। हार्डी को कभी कोई प्राइज नहीं मिला, नॉमिनेशन पे नॉमिनेशन होती रही, बेचारे की बारी नहीं आई पेपर उसमें नोबेल लेने में। दाउ स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, कि तुम अनछुई हो, तुम फोस्टर चाइल्ड हो साइलेंस एंड स्लो टाइम की, कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन है? साइलेंस और स्लो टाइम, यानी कि तुम्हें बहुत देर तक तुम्हें सींचा गया है, तुम्हें बहुत टाइम लेके बनाया गया है। तुम एक सिल्वियन हिस्टोरियन भी हो और तुम एक फ्लारी टेल बता रही हो। ये बातें किसके बारे में है? वेरी गुड, ग्रेशियन अर्न के बारे में है। बहुत अच्छे ग्रेशियन अर्न, ये पोएम की स्टार्टिंग लाइंस हैं, ठीक है, ग्रेशियन आन की। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, अभी अभी बताया, 1818 में आया है। एंडमियन का, एंडमियन की लाइन है, पहली लाइन है ये एंडमियन की। कीट्स पोएम ओड टू नाइटिंगेल वाज कंपोज्ड इन, इजी है, पेपर में आती है, कभी कभी तो इसका मंथ भी पूछ लिया जाता है कि कौन से मंथ में आई थी, ये बता दो। कई बच्चों को डेट याद होती है तो ये बहुत बेसिक लगता है क्वेश्चन, पर जब भी मंथ पूछ लेते हैं तब टफ हो जाता है। ओड टू नाइटिंगेल कब आई थी, कौन से मंथ में? जो मंथ बताएगा उसके लिए क्लैपिंग हो जाएगी, जल्दी बताओ। वेरी गुड, 1819 में। ओड्स, इनकी ओड्स को बोलते हैं ना, ओड्स 1819। तो मंथ कौन सा था, कोई बताएगा? बेटे मैं सीजन नहीं पूछ रही, मंथ पूछ रही हूँ। जुलाई, कौन सा मंथ है? जुलाई, ठीक है। कहीं पेपर थोड़ा टफ करके डाल दे, अगले सितंबर 1819, अक्टूबर 1819, जुलाई 1819, जून 1819, तो क्या टिक करके आओगे? जुलाई 1819। जिसको नहीं आता ना अभी कमेंट में बताना, फिर रिकॉर्डेड देख रहे हो तो। शी ड्वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई। अब ये यहाँ लाइन कौन सी पोइम यानी कि कौन सी ओड में थी और किसके बारे में है? यहाँ पर शी कौन है, कौन है शी? कि वो तो ब्यूटी के साथ रहती है और ब्यूटी ने तो एक दिन खत्म ही हो जाना है। जी वेरी गुड सोनिया, दीक्षा, मेलंकली की बात हो रही है, ठीक है, मेलंकली की बात हो रही है। ओड ऑन मेलंकली पोइम में आई थी। कम फोर्थ इन टू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर, कि रोशनी में आ और कुदरत को तुम्हारा शिक्षक बनने दो। बताइए, नेचर बी योर टीचर, ये बात किसने कही थी? वर्ड्सवर्थ ने कही थी, कहाँ कही थी, कौन सी पोएम में कही थी, बताइए। वेरी गुड रिंकी जी, टेबल टर्न्ड में कही थी, कि उन्होंने कहा कि टेबल टर्न, ये नहीं कि मेज उठा के पलट देना है। टेबल टर्न्ड का मतलब कि अपनी सोच बदलो, जमाना बदल गया है, सब कुछ किताबें बंद करके घर से बाहर जाओ और नेचर से सीखो, नेचर को अपनी टीचर बनाओ। विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड हिज ऑटोबायोग्राफिकल एपिक, एपिक कहा है, ऑटोबायोग्राफिकल कहा है, एपिक क्यों कहा है? क्योंकि बहुत बड़ा वर्क है उनका, जिसको हम मैग्नम ओपस भी बोलते हैं। कई बच्चे लिरिकल बैलेट टिक कराते हैं, ये इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला कि कंफ्यूज नहीं होना, द प्रिल्यूड ही टिक करना है, ठीक है। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड मे टीच अस मोर ऑफ मैन, ऑफ मॉरल इविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजेस कैन, कि सारे संतों महंतों से सबसे ज्यादा हमें एक वुड, एक जंगल की ट्रिप ही ज्यादा सिखा देगी, जंगल में जाना ज्यादा सिखा देगा, ये बात किसने कही है? वेरी गुड नूतन, सोनिया, आंचल, यस वज्जवत ने कही है। कौन सी पोइम में? टेबल टर्न्ड में। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार एग्जाम में आती है। फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, कि थोड़े से सिल्वर के लिए, थोड़े से सिक्कों के लिए, थोड़े से कह लो रिश्वत के चक्कर, वो रिश्वत नहीं कहेंगे, पैसा कमाने के चक्कर में वो हमें छोड़ गया, ठीक है। यहाँ पर ब्राउनिंग ने किसको इतनी लाइन कह के सटायर किया है? नहीं धर्मपाल जी, लाइक्स वाइक्स तो नहीं उड़ते, लाइक रहते हैं, व्यूज एक बार से जीरो हो जाते हैं पर एक दिन बाद रिवाइव हो जाते हैं, जितने भी व्यूज आए हो ना। यस वज्जवत के बारे में ब्राउनिंग बोल रहे हैं, और कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्यों बोला उन्होंने ये बात? क्योंकि वज्जवत 1843 में पोएट लॉरियटशिप अपना लेते हैं इसलिए, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि तू पोएट लॉरियट बन गया सिर्फ 4 पैसों के लिए, ब्राउनिंग ने बोल दी थी लाइन।
वजवत के लिए इगोटिस्टिकल सबलाइम किसने यूज किया है? बिल्कुल ठीक, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ही उनको लोएस्ट लीडर भी बोला है। हाँ जी बिल्कुल ठीक रजनीश जी। चलो रजनीश जी एक तो पहली बार क्लास में आए हैं, एक तो इनके लिए क्लैपिंग बनती है कि पढ़ाई करके आए हैं, है ना, पढ़ाई करके आए हैं क्लास में, रीडिंग वीडिंग लेके आए हैं अपनी। इगोटिस्टिकल सबलाइम किसने यूज किया है? जॉन कीट्स ने यूज किया है। वेरी गुड। द लिरिकल बैलेड्स वर बेटर अप्रिशिएटेड इन अमेरिका देन इन इंग्लैंड। अब आपको पता है इंग्लैंड से ज्यादा प्रेज लिरिकल बैलेड की कहाँ हुई है? अमेरिका में हुई है। इसी के चक्कर में ही अमेरिका में वो अमेरिकन ट्रांसडेंटलिज्म भी शुरू हो गया था, जिसको अमेरिकन रोमांटिसिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो अमेरिकन रोमांटिसिज्म चलाने में भी लिरिकल बैलेड का बहुत अच्छा हाथ था। ये क्यों अमेरिका में कब पब्लिश हुआ? वेरी गुड, 1802 में पब्लिश हुआ था। अमेरिका में सिटी है फिलाडेल्फिया, वहां पब्लिश हुआ था। वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्ड्स मे बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम, कि वर्ड्सवर्थ ने सीखा कि हम्बल रहो, डाउन टू अर्थ रहो, मतलब कॉमन रहोगे, सबके लिए सोचोगे, तब वर्ड्स को प्रिंसली थ्रोन मिलता है, तब वर्ड्स को मतलब क्राउन किया जा सकता है, अपनी आपकी पोइम को और ज्यादा निखारा जा सकता है, अगर हम हम्बल रहेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे। ये वर्डिंग वर्ड्सवर्थ ने कहाँ से सीखी है? वेरी गुड, रॉबर्ट बर्न्स से सीखी है। और रॉबर्ट बर्न्स को क्या बोलते हैं? प्लोमैन पोएट। ये बहुत हम्बल थे, ठीक है, तो इसी से आप याद रख लेना। प्लोमैन को आप किसान से रिलेट करके, है ना, डाउन टू अर्थ समझ के ऐसे याद कर सकते हैं कि बर्न्स को प्लोमैन पोएट कहा जाता था, और इन्हीं से ही वर्ड्सवर्थ ने हम्बल रहना सीखा था, हम्बलनेस अपनाई थी अपनी पोइट्री में। वेयर वॉज एलियट्स द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफरॉक फर्स्ट पब्लिश्ड? बताइए, एलियट की पोइम है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफरॉक, कौन सी कलेक्शन में आई थी? पोइट्री मैगजीन, शिकागो मैगजीन, प्रूफरॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस, या फोर क्वार्टेट्स? हाँ जी दीक्षा, राजविंदर, ममता, पिंकी, आंचल, नितिका, बिल्कुल ठीक, प्रूफरॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज डिड एलियट कॉइन द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव? कौन से में यूज करा है उन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव? वेरी गुड दीक्षा, यस आंचल, यस कहाँ गया, हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में, कब आया था? 1919 में। मैं रोज डेट्स बताती हूँ ताकि अगर बाय चांस क्रोनोलॉजिकली चीजें लगानी आ जाएं तो आपको आती हो। हु इज द ऑथर ऑफ लिरिकल बैलेड? सिंपल सिंपल चीजें भी पेपर में आ जाती हैं, तो वज्जवत है आंसर, पता ही आपको। फेमस पोइम टू डेफोडिल्स का राइटर कौन है? जॉन कीट्स, रॉबर्ट हैरिक, पीबी शैली, विलियम वज्जवत। पेपर में आ जाए ना लड्डू क्वेश्चन, वहां लड्डू लिख के मत आ जाना। पेपर आपका ये ऑनलाइन होना है ऑफलाइन होना है? मैंने, मेरे पास तो इतना टाइम भी नहीं था मैं ये चीजें आपकी देख सकूं। मुझे बताओ जरा, पेपर ऑनलाइन होना है या ऑफलाइन होना है? यस हैरिक, बिल्कुल ठीक, रॉबर्ट हैरिक की पोइम है टू डेफोडिल्स, ओनली डेफोडिल्स, वज्जवत। अभी भी एनी धमीजा ने वज्जवत लिखा है और मैसेज डिलीट कर दिया अपना। अच्छा ऑफलाइन होना है, हाँ तो फिर ऑफलाइन में सर्कल मारते टाइम ना ध्यान देना, अभी सिखाऊंगी चीजें, देर तक बने रहो क्लास में, चीजें सिखाऊंगी, मार्क कैसे करते हैं। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के बारे में ये बात कहाँ हुई है बताइए? ओही मैं क्या, प्रीत कंवल जी कितने गोला मार दे नाले लेखा लड्डू क्वेश्चन। ओही क्या, मैं अपने जज्बातों कंट्रोल करके रखना होते, ठीक है। ये लाइन कहाँ आती है? टिंटन एबे में, यस टिंटन एबे में, स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे अ सोडिड बून, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स। अ सोडिड बून ऑक्सीमोरॉन है यहाँ पर, ठीक है ध्यान रखना, ऑक्सीमोरॉन है सोडिड बून, और नेचर के बारे में यहाँ किसने बोला है, कहाँ, कौन सी पोइम में? वेरी गुड रजनीश, तभी क्लैपिंग करिए बेटा, देखो आपके लिए।
पता चल जाता है कौन से स्टूडेंट की कितनी तैयारी है। वेरी गुड रिंकी, जे आर चौधरी, हर्षित पुलर, हांजी नीलम। हु कंसिडर बद्वत अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। एग्जाम में जरूर मिलने वाला है ये क्वेश्चन। ओके रविंदर जी, जाइए क्लास लगा जरूर लेना। बद्वत को हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर किसने बोला है? वेरी गुड हर्षुखाब जी। हाँ जी नीलम, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसने बोला है? मैथ्यू आर्नल्ड ने बोला है। वेरी गुड। और जिनके जिनके गलत है ना, अब मैं उनको क्या ही बोलूं, फिर आए ना चप्पल एक, फिर कहोगे मैडम ने चप्पल फेंक के मारी है। बैठे नहीं ना आप लोग मेरे सामने ऑफलाइन में। इतना सिंपल क्वेश्चन, मतलब कितना इजी चीज है। अभी थोड़े दिन पहले आर्नल्ड किया है क्लास में, है ना, उसमें मैंने बोला भी था कि वज्जवत की बहुत फैन है आर्नल्ड, और आर्नल्ड ने वज्जवत के लिए मेमोरियल वर्सेस भी लिखा है। नहीं रजनीश जी, आर्नल्ड ही है। आपने जहां से पढ़ा है ना टॉमस डी क्विंसी, वहां गलत करवाया गया है। नेचर एवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। दीक्षा ने चेक करा, दीक्षा चौधरी जी चेक करके बताइए एक बार। मैं यही कहती हूँ, एक जने को फॉलो कर लो क्लास में, एक एक टीचर की क्लास लगा लिया करो। तरह तरह के यूट्यूब चैनल पे भटकते हो ना, जब तभी गलत करके आते हो। किसी एक पे विश्वास रखो और उसी की क्लासेस लगाओ। मेरा गलत लगता है तो मत आओ मेरी क्लास में, किसी और का गलत लगता है तो उधर मत जाओ, पर सही चैनल फॉलो करो। सही, आपका ही पेपर में गलत होने वाला था आंसर। अभी ये नेचर नेवर बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। टिंटन एबी, कहाँ आती है लाइन? टिंटन एबी में। अच्छा, टिंटन एबी में ही स्टिल सैड ह्यूमैनिटी वाली लाइन भी आई है। ठीक है, इसी में ही स्टिल सैड ह्यूमैनिटी वाली, ठीक है, ध्यान रखना, ये दोनों लाइनें इसी में ही आती हैं। टू हुम डिड एलियट डेडिकेट द पोइम द वेस्टलैंड? बिल्कुल ठीक लवप्रीत जी, आनर्ड ही है ना। हाँ जी रजनीश जी, देखो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पेपर में आ जाता गलत करके आते। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि मैम अलग अलग चैनल्स पर जब हम जाते हैं तो बहुत बार गलतियां निकलती हैं। थैंक यू प्रीत कंवल जी। एलियट ने डेडिकेट किसको करा है? वेस्टलैंड को, एजरा पाउंड को। बिल्कुल ठीक। टी एस एलियट फ्रेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी अकर्स इन हिज एसे एंटाइटल्ड। बताइए डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहाँ आती है फ्रेज? डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आंचल सोनिया, मेटाफिजिकल पोइट्स में। अरे वाह, लवप्रीत जी का तो मैं कमेंट पिन कर दूं जरा। कह रही है मैडम योर मटेरियल इज ऑलवेज ऑथेंटिक एंड रिलायबल, नो नीड टू गूगल इट। फुलर जी कह रही है सानू होर कोई चैनल खोलने का टाइम ही नहीं हुंदा। बहुत बढ़िया, यहीं पर सब करवा देती हूँ अच्छे से। बद्वत का शैली, बायरन कीट्स। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपके चार क्वेश्चन कवर होते हैं और पांचवा तो यहाँ पर रखा ही है। ये सबकी अनफिनिश्ड वर्क्स हैं, ठीक है। अब इनमें से किसी का भी अनफिनिश्ड वर्क पूछ लिया तो आपको आना चाहिए। तो ये क्या है, ये सबके अनफिनिश्ड पोइम्स हैं। ब्लिस वॉज इट दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू यंग वॉज वेरी हेवन। ये लाइन किसने कही थी, कौन सी पोइम में कही थी? हाँ जी मोहित जी, ये सारी पोइम्स हैं, नहीं मतलब सारे वर्क्स हैं। अच्छा इसमें हाँ ट्रायंफ ऑफ ये देख लेना, हाँ पोइम्स ही हैं। डोन जुआन भी एपिक पोइम है, सटायरिकल पोइम है, बिल्कुल ठीक पोइम्स हैं सारी। शैली का, अरे कंफ्यूज कर देते हो ना। ब्लिस वॉज इट डॉन टू बी अलाइव क्या आएगा? वज्जवत ने कही है, इनका जो वर्क था द प्रिल्यूड है ना, प्रिल्यूड में उन्होंने कही थी
प्रिल्यूड के अंदर भी एक फ्रेंच करके कोई पोइम है, अब मुझे ध्यान नहीं आ रही उसका पूरा नाम क्या था फ्रेंच पोइम का, प्रिल्यूड के अंदर ही है ये पोइम, ठीक है, उसमें ये लाइन आती है। शैली की फाइनल अनफिनिश्ड पोइम, द ट्रायंफ ऑफ व्हाट, फैंटेसी, डेथ, लाइफ और रोमांस। आशमा जी मैंने कहा था हैशटैग चला दो, हैं मेरी इतनी सी बात नहीं मानते। बिल्कुल ठीक, लाइफ, हाँ जी, द ट्रायंफ ऑफ लाइफ अनफिनिश्ड पोइम थी। नोट अ पोइम बाय कमला दास, हाँ जी नवरीत जी बताइए, संगीता आंसर करिए, नोट अ पोइम बाय कमला दास, द फ्रीक्स, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तिजूरी या अ हॉट नून इन मालाबार। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स के कमला दास नहीं है उनके अगर ये क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, बट जिनके सिलेबस का है, चंडीगढ़ वाले बच्चे देख रहे हैं उनको जरूर आना चाहिए, राजस्थान वाले देख रहे हैं उन्हें आना चाहिए, हिमाचल वालों को आना चाहिए, यूजीसी वालों को आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ठीक, तिजूरी, तिजूरी किसका है, अरुण कोलातकर का। बाकी सारे तीनों वर्क्स कमला दास के हैं। विच यूनिवर्सिटी एक्सपेल्ड पीबी शैली, कहां से इसको निकाल के फेंक दिया गया कि निकल, इसने एक वर्क लिख दिया था कौन सा, नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म, भगवान के खिलाफ, तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी से निकाला था। वेरी गुड रंजनी जी, दीक्षा चौधरी जी, यस ऑक्सफर्ड से, बिल्कुल ठीक ऑक्सफर्ड से। मैच कर दीजिए लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ, इधर है रोमांटिक पोइट्स और इधर है उनके वर्क्स। हाँ जी धर्मपाल जी, जेफरसन को भी निकाला था, आगे क्वेश्चन डाला है मैंने जेफरसन वाला भी, बताइए। वेरी गुड, कीट्स का है हाइपेरियन, वज्जवत का कौन सा आएगा, एक्सकर्शन, एक्सकर्शन में कितने बुक्स हैं, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, पढ़ के जाना। पीबी शैली का एलेस्टर और विलियम ब्लेक का सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, सारी चीजें करवाई हुई है क्लास में। नेक्स्ट मैच कॉलम करिए, कैरेक्टर्स हैं और उनके रोमांटिक पोइट्स हैं, बताइए कौन से कैरेक्टर ने कौन सा रोमांटिक पोइट इनको फॉलो करता है, बताइए। हाँ जी शिवानी जी, जज्बाता दे कंट्रोल करो, क्वेश्चन सारे हैगे आपने बोलो। वेरी गुड आशमा, यूराइजन, विलियम ब्लेक, प्रोमीथियस, शेली, हैरल्ड, चाइल्ड हैरल्ड, बायरन और मेडलाइन, जॉन केट्स, बिल्कुल ठीक। ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, आई हैव फॉलन अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि मुझे हवा में ही तुम उड़ा के ले जाओ, ये पीबी शैली ने ओड टू वेस्ट विंड में ये लाइन बोली है, वेस्ट विंड को क्यों बोली थी, क्यों बोली थी, हैप्पी लाइफ है, मिजरेबल है, सिटी लाइफ है या रोमांटिक लाइफ है। पीबी शैली ओड टू वेस्ट विंड में वेस्ट विंड को कह रहे हैं कि तुम मुझे एक वेव की तरह, लीफ की तरह, क्लाउड की तरह उड़ा के ले जाओ, क्यों, क्योंकि वो मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं इसलिए बोली थी, बिल्कुल ठीक। द कैरेक्टर ऑफ लीच गैदरर अपियर्स इन रिक्लूज, प्रिल्यूड, लोडेमिया या रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। लीच गैदरर कहाँ आता है कैरेक्टर, हाँ जी दीक्षा बिल्कुल ठीक, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में। रुद्रांश क्या कह रहे हैं, मैम यू टीच नाइसली, आई वॉच योर रिकॉर्डेड वीडियोज Cause of my busy schedule and thanks for this marathon. It going to be very helpful for all of us. Thank you जी, thank you so much. Resolution and independence में लीच गैदरर के बारे में है और इसी पोइम का ही पहले नाम लीच गैदरर होता था, ठीक है, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का प्रीवियस नेम लीच गैदरर ही था, ध्यान रखना ये चीजें। फाइनल वर्जन ऑफ द प्रिल्यूड अपियर्ड इन, फाइनल वर्जन कब आया था, 1798, 1830, 1806, 1860, 1850 आना था यहाँ पे, तो 1850 में आया था ये, ठीक है, 1850 में। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। लाइन किसने कही है ये, आपको पता है वज्जवत एज अ क्रिटिक आपके सिलेबस में है चंडीगढ़ के, उसमें एज अ क्रिटिक में ये क्वेश्चन आना लाजमी है,
वेरी गुड वजवर्थ, बहुत ही बढ़िया। हु अमंग द फॉलोइंग सेड चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ये सारी कोटेशंस पेपर में आती हैं और अगर इसका फिगर ऑफ स्पीच पूछ लिया जाए, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन क्या चीज है? पैराडॉक्स है। और पैराडॉक्स क्या चीज है, किसने दी थी? क्लिंट ब्रूक्स ने दी थी। किसने दी थी? क्लिंट ब्रूक्स ने। टर्म ये क्लिंट ब्रूक्स ने दी है। यस, ये भी वजवत ने कही थी, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन अपने वजवत ने कही है। कौन सी पोइम में कही थी? माई हार्ट लीप्स अप। कौन सी पॉइंट में कही थी? माई हार्ट लीप्स अप। बेटा 500 क्वेश्चंस लाई हूं, 500 लाइक बनते हैं और आपको पता है 500 से ज्यादा चीजें तो मैं आपको बोल के ही करवा रही हूँ, है ना, बोल के ही करवा रही हूँ। 500 से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके। वजवत्स पब्लिश लिरिकल बैलेड इन कोलेबोरेशन विद बायरन, कॉलरिज, कीट्स और शैली। लड्डू क्वेश्चन है, आपको सबको पता है लिरिकल बैलेड उन्होंने कॉलरिज के साथ मिलकर लिखी थी। हु इज नोन एज द चाइल्ड ऑफ आर्नल्ड। चाइल्ड ऑफ आर्नल्ड कौन है? पाउंड, एलियट, हार्डी और टेनिसन। वेरी गुड, टीएस एलियट कौन है? चाइल्ड ऑफ आर्नल्ड। देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ द मेट्रिकल कॉम्पोजिशन। ये बात किसने कही है? कौन कह रहा है कि कोई ज्यादा लैंग्वेज का मतलब फर्क नहीं है लैंग्वेज ऑफ प्रोज में और मैट्रिकल कॉम्पोजिशन में? यस, वजवत ने कही है, बिल्कुल ठीक। आइडेंटिफाई द सोनेट अपॉन सोनेट बाय विलियम वजवत। ये किसका, इसका सोनेट अपॉन सोनेट कौन सी है विलियम वजवत की? लंडन 1802, वर्ल्ड इज टू मच विद अस, फ्रेंड आई नो नॉट विच वे, नन फ्रेट नॉट एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम। अब ये सारे वर्क्स हैं विलियम वजवत के, याद रखना, कहीं ये आ जाए कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो ये सारी पॉइंट्स विलियम वजवत की हैं। इसमें सोनेट अपॉन सोनेट कौन सा है? वेरी गुड रजनीश जी, नन फ्रेट्स एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम। अकॉर्डिंग टू हार्डी अ पर्टिकुलर पोइम बाय वजवत वॉज हिज बेस्ट क्योर फॉर डेस्पियर। अभी तक रोमांटिक एज के ही क्वेश्चन आ रहे हैं एक एक करके, मतलब बहुत सारे हैं ना, अभी तो 111 नंबर पे हैं, तो 500 क्वेश्चन है, सारे राइटर्स कवर हुए हैं, तो सबर रखना, सारे क्वेश्चन आएंगे, सभी राइटर्स पर आएंगे। हार्डी ने किसको बोला था कि वजवत की पोइम बेस्ट क्योर है मेरे डेस्पियर के लिए, क्योंकि डेस्पियर पोएट कौन है? हार्डी, पेसिमिज्म के लिए जाने जाते हैं। यस, लीच गैदरर, बिल्कुल ठीक, लीच गैदरर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ लेक पोएट्स। पेपर में लेक पोएट्स ना आए तो हो ही नहीं सकता, लेक पोएट्स के तीन राइटर पेपर में जरूर आने वाले हैं। कौन से तीन हैं बताइए? अच्छा, उन तीनों को क्रोनोलॉजिकली लगाना भी आना चाहिए आपको, कि कौन एज में सबसे बड़ा था और कौन एज में सबसे छोटा था, वो भी लगाना आना चाहिए। हाँ जी, रुद्रांश जी, रिंकी पुलर जी, यस, डी ऑप्शन, वजवत, कॉलरिज एंड साउदी, बहुत ही अच्छे। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड्स। इससे ज्यादा सुंदर गाना हमने नहीं सुना होगा, इतना सुंदर गाना तो किसी नाइटिंगेल ने भी कभी नहीं गाया होगा, किसी ट्रैवलर के लिए, किसी थके हारे के लिए जो कभी अरेबियन सैंड्स में चल रहा है, किसी ने इतना प्यारा गाना नहीं सुना होगा। किसका गाना है ये? सोलिट्री रीपर का, बिल्कुल ठीक। एक लड़की है स्कॉटलैंड की, वो कुछ गुनगुना रही है, अपनी स्कॉटिश लैंग्वेज में गुनगुना रही है। वजवत को समझ नहीं आ रहा क्या गुनगुना रही है, बट उसका म्यूजिक उसको बहुत ही अच्छा लगा है। The soul was like a star dwell apart. Yes, Gaelic song गा रही है, बिल्कुल ठीक। तुम्हारी जो आत्मा है तारे की तरह आकाश में बहुत दूर रहती है। वजवत ने किसके बारे में ये कहाँ बोला है ये चीज, बिल्कुल ठीक दीक्षा। यस, लंडन 1802 में मिल्टन के बारे में बोला है कि तुम एक ऐसी आत्मा हो जो बहुत दूर रहती है तारे की तरह, और उसे ये भी बोलते हैं कि तुम लौट आओ हमारे लिए, तुम लौट आओ। पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इट इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। अब ये बिल्कुल उल्टा है किसका? वजवत का। वजवत कहते हैं पोएट्री क्या है? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो फीलिंग्स तो बंदे की इमोशनल फीलिंग्स होती हैं, पर्सनल फीलिंग्स होती हैं, तो इसका उल्टा टी एस एलियट ने बोला, पोइट्री कोई इमोशन नहीं है, इमोशन में घिर जाना नहीं है,
ये कोई पर्सनैलिटी को शो करना नहीं है बल्कि एस्केप होना है। यस, टीएस एलियट ने इंडिविजुअल टैलेंट वाला जो उनका वो वर्क था, कौन सा टैलेंट एंड इंडिविजुअल टैलेंट क्या था, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, उसमें ये बोला था, शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। विलियम वर्ड्सवर्थ रोट दिस पोइम फॉर, और यही लाइन आर के नारायण के वर्क में द इंग्लिश टीचर में जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो भी बोलता है, शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। सुशीला को बोलता है ना, वो क्या नाम है उसके हस्बैंड का, कौन है प्रोटैगनिस्ट, द इंग्लिश टीचर। यस, तो यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी अपनी वाइफ के लिए ही लिखा है ये, और वाइफ का क्या नाम था, मैरी हचिंसन। वेरी गुड दीक्षा जी। आर के नारायण का वर्क है द इंग्लिश टीचर, उसमें कैरेक्टर है कृष्णा, कृष्णा भी अपनी वाइफ सुशीला को यही बोलता है, यू आर अ फैंटम ऑफ डिलाइट फॉर मी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स कंसीडर्स अ पोएट एज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, मैन स्पीकिंग टू मैन, ये लाइन किसने यूज की है। हाँ जी आंचल जी, क्लास में हमने अच्छे से द इंग्लिश टीचर भी पढ़ा हुआ है, जो जो मेरी क्लास में है उन्हें सब पता है, हम क्लास में बहुत अच्छे से करा है। जी बिल्कुल ठीक, मैन स्पीकिंग टू मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ। पैंथेइज्म इज बेस्ट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स। पैंथेइज्म किसके लिए यूज किया गया है, किसने टर्म यूज करी थी, वर्ड्सवर्थ, ब्राउनिंग्स, विलियम, वॉल्टर स्कॉट या जॉर्ज हर्बर्ट। यस आशमा बिल्कुल ठीक, विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ इमोर्टैलिटी ओड कंटेन्स डैश नंबर ऑफ स्टैंजास। इमोर्टैलिटी ओड है ना इनकी, ओड ऑन द इमोर्टैलिटी ऑफ इमिटेशन ऑफ चाइल्डहुड पूरा नाम है, तो ये इसमें कितने नंबर ऑफ स्टैंजास हैं, 14, 11, 5 और 8। 1.5 घंटा हो गया क्लास को, वेरी गुड हर्षित, यस 11 स्टैंजास हैं, बिल्कुल ठीक ममता बंसल। ममता ने चंडीगढ़ वाला पेपर देना है या नहीं, सभी डर के रहो ममता से, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। मोहित जी सिली मिस्टेक्स ना करो रजे, ये चीजें एग्जाम में आती हैं। हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्योरिंग मैन, किसने इसको बोल दिया था, एन एवर एंड्योरिंग मैन, इसको हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर आर्नल्ड ने बोला है, और वहां पर जो आप गलत आंसर कर रहे थे, एवर एंड्योरिंग मैन किसने बोला है इसको, कॉलरिज ने, बिल्कुल ठीक हर्षित, एसटी कॉलरिज ने बोला है। नहीं प्रीत कंवल जी छोड़ दो डी क्विंसी दा खेड़ा, नहीं क्विंसी ने बोलिया वर्ड्सवर्थ नु कुछ भी। आंचल कह रही है ममता जी कंपटीशन कम कर दिया आपने बिल्कुल ठीक आंचल, नहीं तो उसका तो पेपर टॉप पे क्लियर होता बिल्कुल अव्वल नंबर के साथ। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, परहैप्स द प्लेंटिंग प्लेंटिव नंबलेस फ्लो, कि मुझे कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बता रहा कि वो क्या गाती है, किसी ने नहीं बताया, कुछ सिंपल सा कुछ गा रही है, बड़ा ही फ्लो फ्लो में जा रहा है उसका म्यूजिक। यस सोलिटरी रीपर, बहुत ही बढ़िया। हाउ डिड द रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स डाई, बताइए जॉन कीट्स की डेथ कैसे हुई है। 122 नंबर क्वेश्चन पे हैं और अक्षय जी अब आए हैं क्लास में, वेरी गुड आंचल बटला वारी जावा। शैली नहीं पूछा मैंने, शैली नहीं पूछा, कीट्स पूछा है। यस ट्यूबरक्लोसिस से डेथ हुई थी, इनका पूरा खानदान ही टीबी से मरा है भाई, ट्रांस एक से दूसरे को फैलती गई, टीबी से हुआ है ये। पोरफायरो एंड मेडलाइन आर लवर्स इन, बताइए दोनों कैरेक्टर्स कहाँ से हैं, ईव ऑफ सेंट इग्नीस, बेल डैम सेंस मर्सी, इसाबेला, ईव ऑफ सेंट मार्क। अच्छा ठीक है अक्षय जी, अक्षय जी ये सारे क्वेश्चंस भी आपको बेनिफिट करने वाले हैं एग्जाम में। यस ईव ऑफ सेंट एग्नीज में ये दो कपल हैं, पोरफायरो एंड मेडलाइन। हु असर्टेड हिमसेल्फ एज अ क्लासिसिस्ट इन नेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, ये अपने आप के बारे में किसने बोला है, और पेपर में जरूर आने वाला है ये क्वेश्चन।
बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, किसके बारे में ये ब्लाइन हो रही है? क्लासिसिस्ट है लिटरेचर में, रॉयलिस्ट है पॉलिटिक्स में, और एंग्लो कैथोलिक है रिलीजन में। वेरी गुड टीएस एलियट, बहुत ही अच्छे। ये तो हो गया ना। अच्छा, ये उसके बारे में हुआ था कि मलंकली के बारे में है, शी ड्वेल्स इन ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई। तो मलंकली वाली ये पोएम किसकी है? जॉन कीट्स की। सिंपल, इजी पीजी। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स बाय कीट्स यूजेस स्पेंसेरियन स्टैंजा? स्पेंसेरियन स्टैंजा में कौन सी लिखी गई है? एंडमियन, फॉल ऑफ हाइपेरियन, ईव ऑफ सेंट इग्नेस, या लामिया? कौन करेगा सही आंसर? वेरी गुड हर्षित, यस, ईव ऑफ सेंट एग्नीस। कौन गलत आंसर कर रहा है? नहीं बेटा, ईव ऑफ सेंट एग्नीस। इफ पोएट्री डैश एज नेचुरली एज द लीव्स टू अ ट्री, इट डैश एट ऑल। जल्दी जल्दी से फिल इन द ब्लैंक्स कर दो इसका। प्रीत कंवल जी, चाय पिला दो। हाँ जी दीक्षा। कम्स नॉट हैड बेटर नॉट कम। इफ पोएट्री कम्स नॉट, इतनी नेचुरली नहीं आती जैसे पत्ते आते हैं पेड़ पे, तो वो हमें ना ही आए, ठीक है? हैड बेटर नॉट कम एट ऑल। इन स्पाइट ऑफ हिज ट्रांसडेंटल जीनियस, कीट्स नेवर वॉज नॉर विल बी अ पॉपुलर पोएट। कि इतनी अच्छी जीनियस होने के बाद भी कीट्स कभी पॉपुलर नहीं हो सकता, ये बात शैली ने कह दी। शैली ने कह दी ये बात कीट्स के लिए कि तू कभी पॉपुलर नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? चार रीजन नीचे बताए हैं, एक सही है, बताइए कौन सा। मैं कादे नाल चीयर्स करा, मेरे को कह नहीं चाय थे होने, मैं कहनी है चाय बनानी, वेट करो। बिल्कुल ठीक मोहित जी, शिवानी, यस, क्योंकि कीट्स में रेवोल्यूशनरी स्पिरिट नहीं है, इसलिए शैली कहते हैं कि तुम पॉपुलर नहीं हो सकते, तुम कितने ही जीनियस क्यों ना हो जाओ, कितना ही ब्यूटी की तारीफ कर लो। कीट्स डेडिकेटेड एंडमियन टू, आई है फिर उन्होंने कहना भी तो पहना है ना, कह के आनी है मैं। हाँ जी, थैंक यू, वेटिंग किया, वेट करा आपने मेरे लिए। यस, थॉमस चैटर्टन, बिल्कुल ठीक। एंडमियन किस में लिखी गई है? आयम्बिक पेंटामीटर में, ठीक है जी। और किसने चाय चाय पीनी है? तान दी पी हमने। ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम वाज रिटन बाय, मैराथन लगाना पड़ेगा आ गई है क्लास में अरे अजी। हाँ क्या? अरे अना अना अनी अनी अना ना अनी अरे एनी नहीं आई बेटे, मुझे बहुत ज्यादा कमी बहुत ही याद कमिंग। आई। एक मिनट रुको, पता नहीं मैं बैठी नजर क्यों नहीं आ रही हूँ। पर रुक बाबू, रुक जा, तो मुझे पैर पन आ गई आ गई आ गई। यस, कमला दास, बिल्कुल ठीक। मुझे आने पाँच तो गीला कैसे हुआ, पड़ा पानी गिराया था ऊपर। शी कैन नॉट फेड, दाउ हैज नॉट दाई ब्लिस। बताइए ग्रेशियन अर्न के बारे में है। मेरी टर्न, आपकी टर्न है। याद कमी, कृष्णा धर्मपाल जी कह रहे हैं कि आप कैसे बोलते हो, मुझे बहुत याद कमिंग। चौक गेरी एनी देख ले, गेरी ये एनी चौक
क्या हार्ट चॉकलेट हार्ट चॉकलेट अच्छा आइसक्रीम आइसक्रीम नहीं दी दी आइसक्रीम यम्मी यम्मी यस शी कैन नॉट फेड तो ये क्या चीज है परमानेंस ऑफ आर्ट यस परमानेंस ऑफ आर्ट जाओ पापा बुला रहे किड्स डाइड एट द एज ऑफ जा भाग के जा जा आंटी ने पापड़ बनाए हैं जा पापड़ खा ले जल्दी जा मुझे बहुत चिकन जा पापा करवा देंगे जाओ नहीं इसको लेके जाओ किड्स डाइड एट द एज ऑफ 25 यस ये 26 कौन कर रहा है 25 नहीं मेरी मम्मा कह रही है मेरी मम्मा ले गए Thou was not born for death, immortal bird. मोहित वर्मानी जी थोड़ा सा और आपको फिनिशिंग देनी पड़ेगी कर लोगे आप क्लियर एग्जाम बट थोड़ा सा आप कह लो सिली मिस्टेक्स करते हो इजी इजी क्वेश्चन भी गलत कर बैठते हो ऐसी कहाँ आती है दा वॉज नॉट बोर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड नाइटिंगेल अब देखो ये वाला क्वेश्चन किसने गलत किया है मैं देखूं शिवानी ये थ्रश नहीं है डार्कलिंग थ्रश नहीं है नाइटिंगेल बी एमी बी कमला बी और बी बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी ये किसके ये कमला दास ने बोला है कहाँ पर बोला था कौन सी पोएम में अपने आप को ये चीज बोली है ओहो फिर आ गई मुझे बहुत सारी याद कमिंग बहुत सारी याद कमिंग मिस्सी कर रहे हो आप बिल्कुल ठीक इंट्रोडक्शन यस इंट्रोडक्शन में कमला दास ने अपने आप को ये बोला है कि मुझे कुछ भी कहो कमला कहो एमी कहो माधवी कुट्टी बोलो इंट्रोडक्शन में मुंडी पाठ किड्स पोएम ला बेल डेम सेंस मर्सी क्या चीज है बैलेड सोनेट एलिजी या ओड बताइए ला बेल डेम सेंस मर्सी किशा जीजी अरोड़ा एनी अरोड़ा नहीं है एनी धमिज्जा है यस ये एक बैलेड है अच्छा ये क्वेश्चन रीड करो और आंसर करो फिट्ज़गेराल्ड राइटर हैं अमेरिकन राइटर उन्होंने किड्स की पोइम में से अपने नॉवल का नाम निकाला है अच्छा मैं मार चुका जोर से बोलना फिर हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय क्लास वेलकम वेलकम हो आप वेलकम यस फिट्ज़गेराल्ड ने कौन सी पोइम किड्स की पोइम में से नाम लिया है ओड टू नाइटिंगेल और उनके नोवेल का क्या नाम था एक मिनट बेटा टेंडर इज द नाइट किसको आता था ये वाला टेंडर इज द नाइट अच्छा कोकनी स्कूल ऑफ पोएट्री ये इसमें से कौन है ही अपीयर्ड एज अ मेंबर ऑफ कोकनी स्कूल ऑफ पोएट्री कौन था मेंबर बताइए चुप है बेटे मम्मा क्वेश्चन में तो पढ़ के देना है ना है ना नोजी आ रही है आपको नोजी आ रही बिल्कुल ठीक किड्स ओके किड्स पापा पास जाओ ना माय हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नंबनेस पेन बिल्कुल ठीक आशमा जॉन किड्स विलियम हेजलिट और ली हंट तीनों ही कोकनी स्कूल के मेंबर हैं माय हार्ट एक्स एंड ड्राउजी नंबनेस पेन ये बात किसने कही है जी मुझे शब्दिंग वन मोर आइटम चाहिए यस ओड टू नाइटिंगेल में कही है अपने किड्स ने कही थी बिल्कुल ठीक माय हार्ट एक्स नंबनेस पेन वाली स्टार्टिंग लाइंस हैं ओड टू नाइटिंगेल की व्हाट इज द टाइटल ऑफ जॉन अपडाइक्स फर्स्ट फुल लेंथ नॉवल राइटर चेंज हो गया अब बताइए जॉन अपडाइक का पहला नॉवल गर्ट्रूड मैरी मी ऑफ द फार्म पुअर हाउस यहाँ दे दो मैरी मैरी बी है
यादी में आ रही है। यस, क्या आंसर आएगा? पुअर हाउस फेयर। क्या आएगा? फर्स्ट उनका नॉवल था जॉन अपडाइक का, पुअर हाउस फेयर। यूएस प्रेसिडेंट वॉज द सब्जेक्ट ऑफ अ प्ले बाय जॉन अपडाइक। जॉन अपडाइक ने यूएस के प्रेसिडेंट के लिए एक प्ले लिखा है, कौन सा प्ले लिखा था बताइए? यूलिसिस ग्रांट, जेम्स बुकनन, एंड्रू जॉनसन, अब्राहम लिंकन। इसको लेके जाओ ना यार। नहीं, जा फोन ले ले, फोन ले ले बेटा। आ जाओ, फोन लो, फोन। आटा नहीं चाहिए आज। आटा आटा ले ले, आटा ले ले, रोटी बना दो आज। नहीं प्लीज, इसके पापा को बोलो लेके जाएंगे। चलो चलो, फोन ले लो, फोन। इतनी देर टिकती नहीं है वो, ढाई डेढ़ घंटा हो गया। इसको 5 मिनट तक ले जाना, नीचे घुमाने ले जाओ, घुमाने। पापा सुपरमार्केट जा रहे हैं, पापा भाग के जा, जाओ। यस, यूएस प्रेसिडेंट के जेम्स बुकनन, किसने सही आंसर किया है? जेम्स बुकनन, ठीक है। चलो अब थोड़ा स्पीड से चलेंगे, गई चली वो। द शैडो बॉक्स इज एन अवार्ड विनिंग नॉवल बाय। शैडो बॉक्स अवार्ड विनिंग नॉवल है किसका? आंचल ने सही किया है, बहुत अच्छे आंचल। यस, बिल्कुल ठीक, माइकल क्रिस्टोफर। आपके ड्रामा वाले सेक्शन में राइटर हैं ये। व्हाट इज द नेशनैलिटी ऑफ माइकल क्रिस्टोफर? ये गेट बंद कर देते। माइकल क्रिस्टोफर की नेशनैलिटी क्या है? यस, बिल्कुल ठीक आंचल, अमेरिकन राइटर है वो। कौन से हैं? अमेरिकन राइटर्स। ओरिजिनल नेम क्या है माइकल क्रिस्टोफर का? माइकल प्रकेशनियो, मार्टिन क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर मार्टिन, माइकल क्रिस्टोफर मार्टिन। गुड इवनिंग उषा रानी। हाँ जी, 500 लाइक्स कैसे करवाओगे मुझे ये बता दो आप लोग, टिक के नहीं बैठ रहे हो ना क्लास में। माइकल प्रकेशिनो, माइकल क्रिस्टोफर गॉट पुलित्जर एंड टोनी अवार्ड फॉर द बेस्ट प्ले इन, बताइए। माइकल क्रिस्टोफर को पुलित्जर और टोनी प्राइज मिला है, कब मिला था, कब मिला था बताइए। आंसर ये गलत हो गया है आपका। हाँ जी, हर्षित, दीक्षा चौधरी, लवप्रीत, यस, 1977 में द शैडो बॉक्स के लिए। माइकल क्रिस्टोफर रिसीव्ड विच प्राइज? पुलित्जर प्राइज, बिल्कुल ठीक। दो प्राइज थे, पुलित्जर भी था, टोनी अवार्ड भी था, और दोनों ही 1977 में। नेम थ्री वर्क्स विच कम्स अंडर स्कारलेट लेटर बाय जॉन अपडाइक। जो स्कारलेट लेटर है वो नेथनियल हाथोन का वर्क था, बट इन्होंने दोबारा रीवर्किंग करी है स्कारलेट लेटर ट्रिलोजी की, इसको ट्रिलोजी में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने। तो इस ट्रिलोजी में कौन सा एक नहीं था सेक्शन? ये ट्रिलोजी है स्कारलेट लेटर जॉन अपडाइक की, इसमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है बताइए। मैं साथ साथ थोड़े से बिस्किट खा लूं, खाली पेट चाय सूप नहीं करती मेरे को। यस, हेस्टर नहीं है, ठीक है, हेस्टर नहीं है, बाकी तीनों ही हैं। कोई बात नहीं, जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, चंडीगढ़ वाले देख रहे हैं, वो कमेंट्स में आंसर करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोटैगनिस्ट इन जॉन अपडाइक रैबिट सीरीज नॉवल? रैबिट सीरीज में प्रोटैगनिस्ट कौन है यहां पर? कोई बात नहीं, तुक्के चलाओ भाई। हाँ जी, तो आंसर क्या आएगा? हैरी रैबिट एंगस्ट्रॉम, हैरी रैबिट, ठीक है। जॉन अपडाइक ने पुलित्जर प्राइज जीता था कौन से वर्क के लिए? 5 उनके रैबिट सीरीज के नॉवेल्स हैं, 5ों मैंने यहां लिख दिए। उनको मल्टीपल चॉइस भी आप दे सकते हो, अगर एक से ज्यादा अवार्ड मिले हैं, 2 मिले हैं, 3 मिले हैं। तो जॉन अपडाइक को पुलित्जर प्राइज किन के लिए मिला था? तो आंसर है सी और डी, रैबिट इज रिच, रैबिट एट रेस्ट, कि पहले वो अमीर हो गया, फिर उसने आराम किया, ठीक है, और अमीर होते ही उसको प्राइज भी मिल गया।
जी नेक्स्ट है फॉर हाउ मेनी टाइम जॉन अपडाइक वॉन प्रिजर प्राइज। अब ये तो सारे सही देंगे, अभी अभी बताया कि कौन से प्राइज मिले हैं, कौन से वर्क्स के लिए मिले हैं, तो कितने मिले थे फिर? वेरी गुड लवप्रीत, 2 प्राइज मिले हैं, रैबिट इज रिच, रैबिट एट रेस्ट, बहुत अच्छे। हु सेड अबाउट शेक्सपियर कीट्स, ही इज विद शेक्सपियर, ये बात किसने बोली है कीट्स के लिए? कीट्स के लिए बात किसने बोली है? ही इज विद शेक्सपियर। वेरी गुड, आर्नल्ड ने बोली है, वेरी गुड हर्षित, लवप्रीत, सोनिया, दीक्षा। एंडमियन इज रिटन इन, अभी हमने ईव ऑफ सेंट एग्नीस पढ़ा था, वो स्पेंसेरियन स्टांजा में लिखा है। एंडमियन किस में लिखी है बताइए? आयम्बिक पेंटामीटर में, अभी करवाई थी मैंने पीछे आपको, ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर में। वेरी गुड दीक्षा, सोनिया, चलो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया, जूम कर लो इसको, मैं तब तक चाय साथ 2 बिस्किट खा लूं। एक तो ये मैरी लाइट बिस्किट ना छोटे कप में डिप नहीं होता। स्टार्टिंग लाइंस है या ओपनिंग लाइंस पोएम की? मैच करवाओ, ओड टू साइकी, ओड टू ग्रेशियन अर्न, नाइटिंगेल, मलंकरी। साइकी का क्या आएगा आंसर? ओ गॉडेस, क्योंकि देवी माना था साइकी को। नाइटिंगेल में उसका दिल दुख रहा है, उसने दारू वारू पी ली है ना, वो कहता है कि कुछ उसने हेमलॉक पी लिया है, ठीक है, नाइटिंगेल से। अन को बोल दिया है दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड, और मलंकली को क्या बोला है? नो नोट गो टू लीदे, ठीक है, ये मलंकली वाले का। चलो, हु कॉल्ड शेली सन ट्रेडर इन हिज पोइम, बताइए शैली को सन ट्रेडर किसने बोला था? वेरी गुड मोहित जी, रिंकी, गुरदीप, दीक्षा, यस, ब्राउनिंग ने बोला था, और ब्राउनिंग ने ही वज्जवत को क्या बोला है? लॉस्ट लीडर, इसको बोला है सन ट्रेडर शैली को। My story was published in, अच्छा English वाला बताना, English में कब publish हुई और फिर मलयालम में कब publish हुई, दोनों बताओ। मलयालम वाली भी बता दो जल्दी से। Yes, 1976 में इंग्लिश में, 1973 में मलयालम में, मलयालम में नाम था अंतकथा। स्कारलेट लेटर ट्रिलोजी रीकास्टिंग है एक अमेरिकन मिथ की, ये इसका सब टाइटल है, रीकास्टिंग एन अमेरिकन मिथ। इट इज रिटन बाय, किसने लिखी है स्कारलेट लेटर ट्रिलोजी? इसका आंसर तो सब दे सकते हैं, बताइए। हाँ जी प्रविल, सुखप्रीत, जॉन अपडाइक, और ये वैसे वर्क किसका था? नेथनियल हाथोन का वर्क था स्कारलेट लेटर। इट इज अ रीटेलिंग ऑफ अ एंशियंट टेल ट्रिस्टन एंड आइसोलेट, आइसोल्ड, आइसोल्ड और ट्रिस्टन की एक एंशियंट टेल है, उसको दोबारा से सुनाया है जॉन अपडाइक ने। कौन सी नॉवल में, कौन सी नॉवल में रीवर्किंग करी है ट्रिस्टन आइसोडेल उसकी एंशियंट टेल की? करवाई हुई चीज है क्लास में। आंसर आएगा ब्राजील, ठीक है। चलो, व्हाट इज द निकनेम ऑफ शैलीज फ्रीक्वेंट बाउट्स ऑफ एंगर अर्न हिम, बड़ा ही गुड़सैल था शैली, उसको क्या निकनेम दिया था बताइए? यस, मैड शैली, बहुत बढ़िया। हु रोट पेस्टोरल एलिजी ऑन द डेथ ऑफ कीट्स, नाम भी बता देना, और यहाँ पर योनरा बता दिया है पेस्टोरल एलिजी है, पेपर में गलत मत कराना। नाम और डेट
दोनों चीजें बता दो। डेट भी बता दो। वेरी गुड आशमा। यस हाँ जी रिंकी जी, हाँ जी शैली ने लिखा था एडोनाइस 1821 में ही कीट्स मरा था ना, 1821 में ही एलर्जी आ गई थी। माय नेम इज डैश किंग ऑफ किंग्स। यहाँ पर कौन है किंग ऑफ किंग्स बताइए। चाय पी दी है, एनर्जी आ गई है फिर से। पौने दो घंटे हो गए हैं क्लास को और अभी तक आपसे 100 लाइक्स नहीं हुए, शर्म नहीं आती? मतलब आराम से बैठे हो रजाई में दुबक के। क्यों लेके आई हूं मैं ये क्वेश्चंस, किसके लिए लाई हूं बताओ मेरे को? आपकी रिवीजन नहीं हो रही है क्या? नहीं रिवीजन हुई आपकी? एक तरीके से जब फिर आपके पेपर की मैं फुल सिलेबस क्लास लेके आऊंगी, इस तरीके से मैराथन सेशन आपके सिलेबस का लाऊंगी, तो दैट मीन्स मुझे नहीं लाना चाहिए। मैं यही सोचूंगी कि ठीक है चंडीगढ़ वाले पे क्या रिस्पॉन्स था, मुझे क्या पढ़ी है। Ozymandias, which poem of Keats is modeled on Milton's Paradise Lost in style and structure? Keats ने मॉडल किया है मिल्टन के Paradise Lost को। Yes, Hyperion, उनका abandoned work था ये, बिल्कुल ठीक। Hyperion का subtitle भी पूछा जाता है एग्जाम में। Who says the progress of an artist is a continual self-sacrifice, a continual extinction of personality? ये बात किसने कही है? जल्दी से आंसर करेंगे। Progress of an artist, continual self-sacrifice, self-extinction of personality. Yes, Eliot ने कही है, very good. Poetry of a lady is a dramatic monologue by... ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये किसका है भाई? मैं तो थक गई बैठी बैठी, क्रॉस लेग कर लूं जरा, पैर भी बर्फ बन गए मेरे को तो ठंड लग रही है, उठना पड़ेगा। सॉक्स भी नहीं है आसपास, ये कैप को ना आज पैर में डाल लेती हूँ, क्या किया जाए बताओ। एक पैर पे कैप चढ़ा लिया मैं, ठीक है। ओ नलेको क्या कर रहे हो? 5 मिनट ब्रेक ले लूं? कोई नहीं, गुड्डू रोने लग जाएगी फिर। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी किसकी है? टीएस एलियट की। दिखता नहीं भाई, ड्रामेटिक मोनोलॉग है यानी कि पोइम पूछी है। जेम जॉयस का नॉवल था, खुशवंत सिंह की शॉर्ट स्टोरी थी, पता नहीं क्या करके आओगे पेपर में। ब्यूटी वॉज अवेक, वाई वर यू नॉट अवेक? बताइए कि ब्यूटी तो जाग गई है, तुम क्यों नहीं जाग गए अभी तक? ये लाइन कहाँ आती है? ओड टू फैंसी, ओड टू नाइटिंगेल, स्लीप एंड पोइट्री, ओड टू फैनी। ओ दीक्षा बाहरों बाहरों मतलब गेट लॉक करता उन्होंने जानते जानते। यस स्लीप एंड पोइट्री में वेकअप वेकअप आ गया ना यहाँ पे, वेक वेक तो यहाँ से स्लीप याद कर लेना, स्लीप एंड पोइट्री। विच पोइम ऑफ कीट्स इज अ स्टोरी ऑफ द इलोपमेंट ऑफ टू लवर्स? बिल्कुल ठीक क्या सुखप्रीत जी, पर मैंने टेंशन तो देखो चंडीगढ़ वाले बच्चों के भी बराबर है, मैनू भी पता है। देखो चंडीगढ़ वाले स्टूडेंट्स, मैं भी चाहनी हाँ पेपर क्लियर होए उन सारिया का, पर हूँ क्लास च नहीं आऊंगे। रिकॉर्डेड भी जी देख रहे हो तो प्लीज अपनी अटेंडेंस लगवाओ कि तुसी क्लास च आए सी, ताकि ये मैराथन सैशन का तुहानू भी पूरा बेनीफिट होया। ये सिर्फ चंडीगढ़ वाले वास्ते ही क्वेश्चन आए ने, बाकी स्टूडेंट्स नू भी बेनीफिट कर रहे हैं, सारे राइटर्स उन्हां लई भी कॉमन है, बट क्लास स्पैशली जे तुहाडे लई लैके आई हाँ तो तुहानू लाइक करना जरूरी है। चलो कीट्स ने एलोपमेंट ऑफ टू लवर्स कहाँ है? ईव ऑफ सेंट इग्नीस, पोरफायरो एंड मेडलिन। ओ फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशंस रेदर देन ऑफ थॉट, ये लाइन किसने कही थी? फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशंस, ये लाइन आती कौन सी पोइम में है ये भी बता दो जिस जिसको पता है। लाइफ ऑफ सेंसेशन रेदर देन ऑफ थॉट सेड बाय, वेरी गुड दीक्षा सोनिया,
जॉन कीट्स ने ये लाइन कही थी. द नेम ऑफ द लवर ऑफ जॉन कीट्स, फैनी ब्राउन, फैनी कीट्स, इसाबेला, फ्रांसिस मैरी. बताइए कीट्स की लवर कौन है. क्लास खत्म होते तक 100 लाइक्स कर दोगे या वो भी नहीं होने आपसे, इतना बता दो बस. हेलो वैदेही जी. यस, जॉन कीट्स की लवर कौन है, फैनी ब्राउन. वर्ड हेलेनिज्म इज एसोसिएटेड विद. हेलेनिज्म किसका वर्ड है, किसने दिया था. हेलेनिज्म मतलब ग्रीक से बिलोंग करता था, ग्रीक कल्चर को प्यार करता था. यस, जॉन कीट्स. यस, फोरलोन द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल. ये फोरलोन वर्ड आता है ओड टू नाइटिंगेल में, और ये द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल, ये घंटे की तरह उसको बजाए, फोरलोन वर्ड. और ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, हाइपरबली. बिल्कुल ठीक क्या आप प्रीत कमल जी, कोई फायदा नहीं, मतलब कदर है नहीं. मैं दसदा आही जी, इन्हों क्या होता ना कि पेड स्टूडेंट्स वाले ही आह मैराथन सैशन मिलना है, फिर इन्होंने कहना सी मैम तुसी यूट्यूब वालों का नहीं सोचते, असी रेगुलर आने हाँ, तुसी साडा भी सोचो, है ना. पर जे इन्हों का सोच के आप यूट्यूब ते क्लास ले आए तो इन्हों ने आना नहीं होंगे क्लास. यस, ये सिमली है क्योंकि इसमें लाइक वर्ड आ गया है. अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी, यहाँ पर दी क्या चीज है. नोट चैरियट बाय बेकर्स एंड हिज पार्ट्स बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी. कभी कभी ना इसकी पोएजी की जगह पर ना ब्लैंक भी आ जाता है, तो ब्लैंक फिल करो कि विंग्स ऑफ वट, तो विंग्स ऑफ पोएजी आंसर आएगा. और यहाँ पर दी किसका है, कहाँ पर उड़ के आना है, किसको कह रहा है, फैनी ब्राउन के पास जाना है, ली हंट, नाइटिंगेल या चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन के पास. यस, बिल्कुल ठीक, नाइटिंगेल के पास उड़ के जाने की बात हो रही है. कीट्स वॉज अ ग्रीक, दिस कमेंट वॉज गिवन बाय, बताइए जल्दी से. कीट्स वॉज अ ग्रीक, इसने बोल दिया. बायरन, शैली, कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड. यस, ये बात किसने कही थी, शैली ने कही थी. इसने, शैली ने ये लाइन भी बोली हुई है, वी आर ऑल ग्रीक्स. ये लाइन भी शैली ने ही बोली है. और एक ये फ्रेज है, इट्स ऑल ग्रीक टू मी. ये फ्रेज कहां पर आई है, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, ये कहां आती है लाइन, इट्स ऑल ग्रीक टू मी. मैं देखूं जरा कितनी तैयारी है आपकी, बताइए. वेरी गुड सोनिया, फट्टे चक दिए. यस, इट्स ऑल ग्रीक टू मी लाइन आती है जूलियस सीजर में जी. अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, हु रोड दिस लाइन. इजी पीजी आंसर आएगा, जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे. अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ. यस, बिल्कुल ठीक. वेस्टलैंड में टी एस एलियट, वेस्टलैंड की फर्स्ट लाइन है. हाउ मेनी स्टांजास आर देयर इन ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, कितने स्टांजास हैं. हर स्टांजा में 10-10 लाइन्स हैं. और कितने स्टांजास हैं टोटल. वेरी गुड दीक्षा जी, 5 स्टांजास हैं. ओ एटिक शेप, फेयर एटीट्यूड, ये कहां पर, ये क्या चीज है, फिगर ऑफ स्पीच. और ये लाइन कहां आती है, ग्रेशियन अर्न में ही आती है ये लाइन. ओ एटिक शेप, फेयर एटीट्यूड, क्या चीज है ये. अपोस्ट्रोफी, सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरॉन. हां जी प्रविल जी, अपोस्ट्रोफी है ये. द अल्फाबेट ऑफ लस्ट इज फ्रॉम द पेन ऑफ, किसने लिखा था. द अल्फाबेट ऑफ लस्ट, क्या चीज है ये, योंड्रा क्या है ये भी बता दो. तोरुदत्त, शशि देश पांडे, नयनतारा सहगल, कमला दास, अल्फाबेट ऑफ लस्ट क्या चीज है. हाँ जी कविता जी, कमला दास ने लिखा था, ये उनका नॉवल है, ठीक है, याद रखना. विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ पोइम्स वॉज रिटन बाय कमला दास. समर इन कैलकटा, गीतांजलि, लीव्स ऑफ ग्रास, सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स. इसमें से कमला दास की कलेक्शन कौन सी है.
Yes, summer in Calcutta. It is said that Keats was a worshipper of. किस चीज का worshipper है बताइए. Yes, बिल्कुल ठीक, beauty का. हाँ जी. Which season is called the season of mellow and fruitfulness? आप लोग भी थक चुके हो ना, तो जाओ, मैं यही क्लास बंद कर देती हूँ. मुझे लगता है बच्चे थक ज्यादा गए हैं, उनको ये थोड़ी है कि हमारा पेपर आने वाला है 10 तारीख का, उनको ये नहीं फील हो रहा. थक गए हो तो भागो, फिर मैं क्लास ओवर करूँ. यस, कौन है सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस? ऑटम. स्प्रिंग कौन दिख रहा है आंचल? नंबर नहीं लेने तूने पेपर में, इतना इजी क्वेश्चन था ओट टू ऑटम में से. विच एलिशियन कैरेक्टर अटर्स द क्वेश्चन डू आई ईट अ पीच? डू आई ईट अ पीच, ये बात किसने कही थी? मैरीना, प्रूफ्रोक, स्वीनी और स्टेपसन. डू आई ईट अ पीच. वेरी गुड, वेरी गुड. किसने कही थी? प्रूफ्रोक ने. वट वॉज कीट्स फर्स्ट मेजर पब्लिश्ड पोइम? प्रीत कमल जी, तुहानू मास्टर कैडर का पेपर दे के आऊंगे, सौं दी गल, उत्थे तुहानू ऑप्शन वेखन की लोड़ नहीं पैनी. सब तो छेती पेपर तुहाडा होना है, फटाफट पेपर करके तुसी कहना है लै मेरा तो हो गया 10 मिनटां च, मैं तो चली घरे. ठीक है, जदों आंदी है ना चीज़ उदों ऑप्शन की लोड़ नहीं पैंदी, क्योंकि एक ही तो सही आंसर करना है, वह तो सानू आंदा है, बाकी तो गलत आंसर का आपा की लैना है. एक ही सही आंसर तो एको सही है ना. किड्स की फर्स्ट मेजर पोएम एंडमियन, मतलब जो मेजर मेजर वाली आई थी पहली एंडमियन, ये तो लास्ट है ना उनकी, ये तो लास्ट वाली है जो आप बता रहे हो ब्राइट स्टार. इट इज स्ट्रेंज द माइंड दैट वेरी फेरी पार्टिकल शुड लेट इटसेल्फ बी स्नफ्ड बाय एन आर्टिकल. कि एक फियरी बंदा था, बड़ा ही अच्छा इंसान था, बट एक छोटे से आर्टिकल के आने से अपनी लाइफ गवा बैठा. ये बात कीट्स के लिए बोली थी, किसने बोली थी? क्योंकि कीट्स की डेथ हुई थी, हुई तो टीबी से थी, मेजर बीमारी तो टीबी थी उनको, बट जो क्वार्टरली रिव्यू और ब्लैकवुड मैगजीन वाले थे ना, उन्होंने इसकी बहुत बेइज्जती करी थी, बहुत ज़्यादा. एंडमियन इनका वर्क आया था ना, जो ये पहला वर्क इनका एंडमियन, उसी को ही बहुत ज़्यादा क्रिटिकली सटायर किया एंडमियन को, और बोला कि ये बहुत ही बेकार लिखा है तूने. तो कीट्स इससे बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे. तो ये बात किसने कही थी? वेरी गुड हर्षुखाब, हर्षित. हर्षित बहुत ही बढ़िया. यस, बायरन ने बोली थी, और हर्षित के लिए ना क्लैपिंग करने बनती है, मुझसे रुका नहीं जा रहा है अब. बहुत ही अच्छे, बायरन ने कही थी. हु सेड कीट्स प्लेस इज अश्योर्ड विद द एंड्योरिंग डेड? बताइए अब ये किसने कही थी. अब यहाँ पर अपने इमोशंस बयान कर दो, जो अभी पीछे शैली शैली कर रहे थे. तो ये शैली ने ही कही है कि कीट्स प्लेस इज अश्योर्ड विद द एंड्योरिंग डेड. शैली ने जो इनकी एलिजी लिखी है उसमें, जो एडोनाइस है ना, उसमें ये लाइन आई थी कि कीट्स की सीट तो पक्की है. एडोनाइस एंड एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, क्या है ये? ये एक पेस्टोरल एलिजी है, बता चुकी हूँ, ईजी है. 1821 में ये डेट आनी है पेपर में, आनी है ये 1821. बार बार लिख रही हूँ, बार बार बता रही हूँ क्या है, किसने लिखी है, क्या चीज है, एग्जाम में आएगा ही एडोनिस के ऊपर. इसाबेला द पोर्ट ऑफ बेसिल इज सेट इन. अब ये वर्क किसका है? इसाबेला. किसका वर्क है? इसाबेला. और ये कहाँ, इसकी लोकेशन क्या है? मेसिना, फ्लोरेंस, ग्रीस और वेनिस. जितने क्वेश्चन लाई हूँ क्लास में, सारे के सारे एग्जाम में मिलेंगे. घर आके फोन करना जरूर कि मैम बहुत अच्छा एग्जाम गया है जो आपने करवाया, सब आया पेपर में. द पोर्ट ऑफ बेसिल, फ्लोरेंस, बिल्कुल ठीक, कीट्स की है ये. यस, बकैशियो से इन्होंने, यहाँ से बकैशियो से इंस्पायर होकर लिखा था. इन इट्स फाइनल पब्लिश्ड वर्जन एलियट वेस्टलैंड कंटेन्स डैश नंबर ऑफ लाइंस. वेस्टलैंड की कितनी लाइंस हैं? 334, 434, 373, 423. हाँ जी दीक्षा, 434. वट इज द क्लोजिंग लाइन ऑफ ओड टू नाइटिंगेल? स्टार्टिंग लाइन तो अभी आपको बता दी ना, स्टार्टिंग लाइन अभी हमने की है. क्या नाम था
भूल गई मैं भी क्या ना, क्या लाइन का नाम था, दाओ नहीं वो स्टिल रेविश ब्राइट, तो ग्रेशन अर्न की हो गई। नाइटिंगेल की पहली लाइन क्या थी यार, माइंड से स्किप हो गई मेरे। यस लास्ट लाइन है, डू आई वेक और स्लीप और टू नाइटिंगेल, वो नंबनेस पेन वाली लाइन है, इसकी पहली वाली लाइन है। हाँ जी हाँ जी कविता, माई हार्ट एक्स माई नंबनेस पेन है ना, वो वाली है। किड्स टोमस्टोन रीड्स, टोमस्टोन पे उनके क्या लिखा है, हेयर लाइज वन रिटन पोएट्री वर्ड हार्ट्स और वॉटर। बिल्कुल ठीक प्रीत कंवल जी, बिल्कुल सही क्या। यस गुरदीप जी, यस हिज नेम इज रिटन वॉटर। एपिग्राफ ऑफ द मास्क ऑफ एनार्की इज टेकन फ्रॉम, एपिग्राफ क्या होता है, स्टार्टिंग लाइन्स किसी भी वर्क के ऊपर लिखी होती हैं किसी और वर्क से उठा के। तो मास्क ऑफ एनार्की के ऊपर कौन से पोइम से या वर्क से चार पंक्तियां उठा के लिखी गई थी, चार या दो कुछ भी हो सकती हैं, मास्क ऑफ एनार्की के लिए। यस रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम भी ना यार चेक कर लेना, ये भी 1818 में ही आया हुआ है, फिर भी चेक कर लेना ठीक है, ये भी 1818 में ही आया हुआ है। बाकी आप लोग ज्यादा पढ़ते रहते हो आपको पता होगा, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम का सब टाइटल क्या है। आए शिवानी जी कुट ना खा लियो तुसी घर दिया तो जाओ 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 छेती जाओ, तुसी किचन का काम करो बाद चो आ जाना। कितने कैंटोज हैं, 12 कैंटोज हैं, बहुत अच्छे आशमा। हु हैज पेंड द फॉलोइंग लाइंस, आई एम सिनर आई एम सेंट आई एम द बिलवड एंड द बिट्रे, मैं ही पापी हूँ मैं ही संत हूँ मैं ही प्रेमी हूँ मैं ही धोखेबाज हूँ, ये बात किसने कह दी, कमला दास ने। मर्डर इन द कैथीड्रल क्या चीज है, मॉक एपिक है, मेटा थिएटर है, एब्सर्ड प्ले है या फिर मिरेकल प्ले है। हाँ जी दीक्षा चौधरी, दीक्षा चौधरी ने पेपर भरा हुआ है ना, नहीं तो अभी से भाग जाती है अभी तक तो क्लास में, अभी तक तो बस मेरी फैन फॉलोइंग रह गई है क्लास में, बाकी सारे भाग गए। आपसे बैठा नहीं जाता ना, मतलब 2 घंटे भी पेशेंस वो था आपका, 1 घंटे तक रुके हो, 1.25 घंटे तक तो भागने लग गए, अब तो वही गिने चुने मेरे साथी। यस मिरेकल प्ले नहीं भरा दीक्षा चौधरी ने, तो फिर आपका कौन सा पेपर है। हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी क्या चीज है, एक हिम है, एक ओड है, एक सोनेट है या एक बैलेट है, क्या चीज है हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। प्रीत कमल जी, कमला दास कुड़ी सी मुंडा नहीं सी। यस ओड बिल्कुल ठीक, ओड है ये, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी की प्रेज में लिखी गई है। एलेस्टर का सबटाइटल सबको आता है, फटाफट ABCD बता दो, स्पिरिट ऑफ माइंड, स्पिरिट ऑफ ब्यूटी, स्पिरिट ऑफ सोल, स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। कल भी आना क्लास में शाम 4 बजे ठीक है। आप लोग हैं जो क्लास को सीरियस नहीं ले रहे, बट मैं तो चंडीगढ़ वाले स्टूडेंट्स के लिए तो अभी बहुत सीरियस हूँ है ना। आपका पेपर है 10 तारीख को, और मुझे है कि जितने भी यूट्यूबर्स यूट्यूब पे हैं, स्टूडेंट्स यूट्यूब पे देखते हैं, चैनल जरूर ज्वाइन करें। यस अभी बी आंसर कौन कर रहा है बे, स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड प्रतिभा कुट पैनी, एलेस्टर इज रिटर्न इन। बताइए एलेस्टर इज रिटन इन ओटावा रीमा स्पेंसेरियन स्टांजा टर्जा रीमा ब्लैंक वर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ब्लैंक वर्स। वेरी गुड आशमा। द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म इज रिटन इन कोलैबोरेशन विद, दसो पुलर जी आंसर करो, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म किसके साथ मिलकर लिखा था। हाँ जी दीक्षा, थॉमस होक के साथ। हाँ जी धर्मपाल जी आ गया बिज्जू,
Coleridge was the first to criticize Wordsworth's theory of poetic diction in poetic diction को इन्होंने criticize किया था कौन से work में? धर्मपाल जी की दसिए मेरा दर्द तुसी समझ सकने हो। हाँ जी गुरदीप जी, बायोग्राफिया लिटरेरिया। शैलीज डिफेंस ऑफ पोइट्री इज अ रीजॉइंडर, यानी कि रिस्पॉन्स टू, अगला रीजॉइंडर आ जाता तो घबरा ना जाना। डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा था शैली ने। बताइए, शैलीज डिफेंस ऑफ पोइट्री इज अ रीजॉइंडर टू सिडनीज अपोलॉजी फॉर पोइट्री, लव पीकॉक्स फोर एजेस ऑफ पोइट्री, बायरन्स इंग्लिश बार्ड एंड स्कॉच रिव्यूज। यस, बी ऑप्शन, लव सॉन्ग, लव पीकॉक का फोर एजेस ऑफ पोइट्री, ये आया था 1820 में। डिफेंस ऑफ पोइट्री आया था 1821 में, रिटर्न और पब्लिश हुआ था 1840 में। ठीक है जी, ये पब्लिश पोस्टमसली हुआ था, याद रखना, क्योंकि शैली 1822 में तो मर ही गया था, ये भी डूब के मरा था, ध्यान रखना ये चीज। 21 में कीट्स मर गया था, कीट्स को इतना इसने बोला, कीट्स ये कीट्स वो, कीट्स भी मरा और शैली भी मरा, और शैली जब डूब के मरा था ना, मतलब इसकी जो जो शिप का शिप थी इसकी, वही डूब गई थी, तो जब इसकी लाश मिली तो इसकी पॉकेट में कीट्स की ही पॉइंट्स भी थी। ठीक है, पीबी शैलीज फर्स्ट नॉवल इज सेंट इरविन, दस्तरोजी, हेलास या द सेंशी। आएगा संगीता जी, आपका पेपर भी आएगा, आपके लिए भी क्लास जरूरी है, ये वाली कमला दास और ये सब राइटर्स आपके सिलेबस में भी हैं, कल भी क्लास में जरूर आना। ठीक है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, आज हाफ क्वेश्चंस हैं, हाफ कर लोगे। यस, दस्तरोजी, बिल्कुल ठीक। वर्स विल बी रेड 100 times वेयर प्रोज इज रेड ओनली ओनली वंस, जो पोइम है वो तो 100 बार भी पढ़ी जाती है और उतने ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ी जाती है, पर जो प्रोज है, जो ऐसे है, वो तो बस एक बार ही पढ़ा जाता है। ये बात किसने बोली थी, किसने कही थी ये चीज? यस, किसने कही थी? वर्ड्सवर्थ ने, बिल्कुल ठीक। प्रूफरोक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस इज डेडिकेटेड टू, यहां पर अब वेस्टलैंड नहीं पूछा, ध्यान रखना, वेस्टलैंड नहीं पूछा। प्रूफरोक पूछा है, प्रूफरोक किसको डेडिकेट करी थी? शॉन वर्दनेन को। ठीक है, एजरा पाउंड को वेस्टलैंड करी थी, प्रूफरोक इसको करी थी, वर्दनल। बिल्कुल ठीक। इन विच वर्ड्स फॉर्म इज टी एस एलियट वेस्टलैंड रिटर्न? कविता ठाकुर जी, क्वेश्चन तो 500 है, क्वेश्चन तो 500 लेके आई हूं मैं, पर आप लोगों ने 100 likes ही नहीं दिए मेरे को। मतलब दिल दुखा देते हो कभी कभी। तो वेस्टलैंड टी एस एलियट का कहां, किसमें लिखा हुआ है? ब्लैंक वर्ड्स में। चलो बंद कर दूं क्लास। बता दो मेरे को, और करने हैं या बंद कर दूं बस? क्या? नो मैम, बिल्कुल ठीक कहा, बैच वालों को दे देती हूँ। ओहो, फ्री वर्स, सॉरी 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 सॉरी, टी एस एलिट किस में लिखा है? फ्री वर्स में। अरे मुझे कंफ्यूज मत किया करो। हाँ जी, हाँ जी, ब्लैंक वर्स में इतनी जनता लिखती है ना, मैं भूल गई थी, टी एस एलियट तो फ्री वर्स में लिखते थे, टी एस एलियट और वॉल्ट विटमैन, ठीक है, दोनों ही फ्री वर्स में। व्हाट इज द रियल नेम ऑफ कमला दास? बताइए, रियल नेम क्या है कमला दास का?
यस माधवी कुट्टी, चलो ठीक है फिर। आइडिया अच्छा है धर्मपाल जी का, देख लो अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, स्क्रॉल देख रहे हो कितना नीचे जा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी देख लो। तो आज अभी मैंने 201 करवा दिए, पर आप 200 लेके चलो, कल 201 से शुरू करूंगी, ठीक है, कल शुरू करूंगी 201 से। तो अभी आज 200 में से आप लोगों के कितने ठीक हुए हैं जरूर कमेंट में बताना, अभी इतनी क्लास बहुत है, ठीक है, इतनी क्लास अभी बहुत है, 200 के बाद कल करेंगे। अभी 200 में से कितने ठीक हुए हैं जरूर बता देना कमेंट्स में। ओके जी, और मैराथन क्लास लगा के कैसा लगा? ये आपका मॉक टेस्ट है, 500 MCQs हैं टोटल इसमें, कल भी देखेंगे, कल 200 करते हैं या 300 करते हैं, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग पता लगेगा। अगर आपने कम स्ट्रेंथ दिखाई मेरे को, कम बच्चे आए, व्यूज अच्छे ना आए, तो फिर मैं नहीं लाऊंगी क्लास, ठीक है, फिर मैं 200 फिर करवा के फिर 100 छोड़ दूंगी। आपके लिए ही क्लास आती है, मैं भी यहाँ 2 घंटे से बैठी हूँ, आप लोगों को थोड़ा देखना चाहिए कि हाँ मैम 2 घंटे के लिए आए हैं तो हम भी बैठे क्लास में, और जितनी स्ट्रेंथ है क्लास में अभी तो उनके लिए तो बहुत ही थैंक यू, आप लोग आए और क्लास में लाइक मुझे भी हिम्मत देते हो क्लास लेने के लिए। ऐप डाउनलोड कर लेना इंस्पायर इंग्लिश प्लैनेट, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना हमारा। चैनल ज्वाइन करने के लिए चाहिए है तो आपको मैं यहाँ स्क्रीन कोड दिया हुआ है, ये जो क्या बोलते हैं इसको, QR कोड, इसको अपना कैमरा ओपन करके स्कैन करोगे ना, दूसरे फोन से कर लेना चाहे तो आप ऑटोमेटिकली इंस्पायर इंग्लिश प्लैनेट चैनल पर आ जाओगे। चलो बहुत ही अच्छे दीक्षा जी, ऑलमोस्ट ठीक हुए हैं आपके, है ना। चलिए बहुत जल्दी ना, जैसे ही मास्टर कैडर का एग्जाम आ जाएगा हम आप लोगों के लिए भी मैराथन सेशन लेके आएंगे, जितने भी यूट्यूब पे स्टूडेंट हैं इसके अपने मास्टर कैडर के भी, उनके लिए भी, यूपी पीजीटी वालों के लिए भी, सबके लिए एक एक करके मैराथन सेशन जरूर आएगा उनके उनके एग्जाम के करीब, ठीक है। थैंक यू वदेही। हाँ जी आप एमपी से हैं, अच्छा चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। राजस्थान वाले स्टूडेंट भी आप एनरोल होना चाहते हैं क्लास में तो राजस्थान का सेकंड ग्रेड के पेपर की तैयारी करवा रहे हैं, 5 तारीख से बैच इसका भी शुरू हो जाएगा, तो इसमें भी आप आ सकते हैं अगर आप इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो। फिर लेट आएंगे फिर कहेंगे मैम शुरू से करवाओ, तो फिर आपको रिकॉर्डेड सेशन दिखेगा, अभी तो ये लाइव चलने वाला है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू मोहित जी। चलिए क्लास को जितना हो सके उतना इसे तारीफ करो, प्यार दो, आपको अच्छा लगा है कंटेंट तो ठीक है, कमेंट सेक्शंस जरूर भर भर के करना कमेंट्स, और ढेर सारे लाइक, ढेर सारा शेयर अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जिस पे भी आपके लगता है कि लोगों तक वीडियो ज़्यादा पहुंच सके, और कम से कम इस वीडियो को 100 लाइक्स तो करवा दोगे, मुझे बता दो करवा सकते हो कि नहीं, सॉरी 100 नहीं 500 तो आज ही हो जाएंगे, अभी के अभी हो जाएंगे 100 लाइक्स, 500 क्वेश्चन है, 500 लाइक्स का टारगेट मैं पिन करूंगी ये चीज। ओके जी। अरे बाबू भैया जब ये आएंगे ना CUET में तब पता लगेगा, जब पेपर देके आओगे ना तब पता लगेगा आपको, CUET का कोई सिलेबस नहीं होता है, यही राइटर्स आते हैं, एलिजाबेथन एज से लेके मॉडर्न एज तक के राइटर आते हैं। चलो ठीक है जी। चलिए ओके ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं शाम 4 बजे, कल तो ढंग से आ जाना भाई क्लास में। ओके बाय बाय।